Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जहाँ कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, आपकी जिंदगी मजे, सुकून और खैरियत से गुजर रही हो. कल परसों हम लोग शुक्रिया. अच्छा, कल परसों हम लोग आ रहे थे, चांद देखा मैंने. किसी ने देखा सफर का चांद? तो चांद निकला हुआ था. वैसे कहते हैं कि इस चांद को देख के खासतौर पर दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में अपनी खास हिफाजत में रखे, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना कि सफर का महीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें कुछ आफात, कुछ बलाएं, कुछ परेशानियां जो है वो ज्यादा होती हैं. लेकिन बहरहाल इस महीने के चांद के नजर आने के साथ ही एक और सीजन शुरू होता है. भाई वो कौन सा सीजन होता है? शादियों का. इसे हम सब इन दो महीनों का सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि ये दो महीने किसी तरह से गुजरे और हम फिर धड़ाधड़ शादियां करना शुरू करें. और शादियों का सीजन जो है उसमें जिसकी शादी हो रही होती है उसके लिए तो एक बहुत बड़ा दिन होता ही है, मगर जिसकी शादी होने वाली होती है उसके लिए भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे. इसी को उसे पता होता है कि वहां पर ही किसी की अम्मा, किसी की बहन, किसी की भाभी या किसी की अपनी नजर जो है वो पड़ सकती है. और अदरवाइज भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छे लगें, हम लोग खूबसूरत लगें और हमारी जो सजधज है उसमें किसी तरह की कमी ना हो. लेकिन आपको लगता है कि मेकअप सब कुछ छुपा सकता है या मेकअप जो है वो सब कुछ बदल सकता है? No. या आपको लगता है कि सिर्फ मेकअप ही खूबसूरती है? No. आखिर दूल्हा बेचारे ने मेकअप के बाद वाली शक्ल भी देखनी होती है. और आखिर जो है, आखिर उसने जो जिंदगी गुजारनी है वो तो उस खातून के साथ गुजारनी है, तो उसका जो रियल सेल्फ है, जो उसका असल है, वो खूबसूरत होना बड़ा जरूरी है. सो जहां पे हम आजकल बहुत ज्यादा फोकस करते हैं मेकअप के ऊपर, लिबास के ऊपर, सिंगार के ऊपर, वहां एक फोकस जो है ना वो अपने अंदर की खूबसूरती के ऊपर भी होना चाहिए. इससे कि जो बंदा जलता कुड़ता रहता है, जिसके दिल में हसद बगज रहता है, जो हर वक्त दूसरे के साथ जो है वो इसी उसमें रहता है कि उसने ये क्या कर दिया और मैंने क्या करना है और उसने ये क्या कर रही है और वो उसने यूं क्यों किया है और उसने क्या पहना हुआ है और वो क्या खा रही है और उसने कौन से इंजेक्शन लगवा लिए हैं और वो अब क्या कर रही है, तो वो बंदा जो है वो एक ऐसी उलझन का शिकार होता है जो उसके चेहरे पे, उसके एक्सप्रेशंस में नजर आती है. आप बाजू का तो लोगों को गौर से या ना भी गौर से देखें ना, वैसे देखें ना, तो आपको लगता है उनके चेहरे के तासुरात कुछ अजीब से लगते हैं. और बहुत सारे लोग जो बड़े पुरसकून, बड़े हमें खूबसूरत नजर आते हैं, वो इसलिए भी होते हैं, वो अंदर से खूबसूरत होते हैं. तो कौन कौन जेलस होता है जरा दूसरे को देख के? कोई भी नहीं होता ना. मुझे पता है सारे फरिश्ते आए हुए हैं. ये भी एक बहुत बड़ी हमारी वो ख्वाहिश होती है कि जब हम पे कोई मौका आता है तो हम कहते हैं कोई मसला है ही नहीं, कोई टेंशन है ही नहीं. अच्छा एनीवे, आज की हमारी लाइन ये है कि पहले चेहरे पर निखार फिर सजेगा सोला सिंगार. इसलिए आप इंटरनली मेडिटेशन करें, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, आप लोगों को माफ करें, आप अपने आप को माफ करें, आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें, आप जिंदगी में खुश रहना सीखें, एक्सरसाइज करें, फिट रहें. और फिर दूसरा स्टेप आता है कि आपने लगाना क्या है और आपने कैसे पहनना है, तो फिर कैसे आप खूबसूरत होंगे. सो आज पहले स्टेप पे हम फोकस कर रहे हैं. मेरे मेहमान बड़े जबरदस्त, शानदार, जो आज आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जिसकी कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है. सो सबसे पहले मैं अपनी जिस मेहमान को बुलाऊंगी उनको इस्तकबाल कीजिएगा. शी इज अ वेल नोन हर्बलिस्ट. मेरे साथ हैं डॉक्टर उम्मे राहील. अस्सलाम वालेकुम. भाई पाकिस्तान में खूबसूरत नानियों की तादाद में एक इजाफा हो चुका है और ये माशाल्लाह मुबारक हो आपको बहुत बहुत. और ये वो नानी है जिसके जैसे जैसे नवासे होते जाएंगे, नवासे नवासे ये वैसे वैसे खूबसूरत और जवान होती जाएंगे. मेरे बच्चों की डिमांड यही है. डिमांड यही है? हाँ बिल्कुल. आप ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना. मैं ठीक है. बात तो, लेकिन इसका कोई सीक्रेट भी तो है ना. आज हमने आपको जाए पूछे वगैरह जाने नहीं देना. आपने सब कुछ तो बता दिया अभी इंट्रो में. हाँ नहीं, अच्छा बाकी यही है, सब कुछ यही है. ये है तो बाकी तमाम चीजें काम करेंगी, वरना जब अंदर से आप अच्छे नहीं है तो कुछ भी कर लें कोई चीज रिजल्ट नहीं देती, कोई चीज रिजल्ट नहीं देती. ठीक है. सो सबसे पहली बात, अपने आप को अंदर से साफ करना शुरू करें, अंदर से ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई, पॉजिटिव, और दूसरों की अच्छाई सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करना शुरू कर देगा. बिल्कुल सही. अच्छा जी, लेकिन अब डॉक्टर उम्मे राहील के साथ हमने आज पूरा पैनल बनाया, जिन जिन लोगों के हमारे जहन में नाम आता है ना कि उनके पास जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए. सो मेरी अगली जो मेहमान है वो एक जबरदस्त किस्म की डर्मेटोलॉजिस्ट है. और आजकल अगर आप जानते हो कि डर्मेटोलॉजी की दुनिया ने तहलका मचाया हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि कोई मसला रहा ही नहीं. सो हम इस वक्त यहाँ पे दावत देने जा रहे हैं डॉक्टर जरका. थैंक यू.
तो आजकल क्या क्या कुछ है जो कि बहुत इन है, लोग बड़े शौक से कराना पसंद करते हैं? आजकल बड़ी जबरदस्त चीजें, स्किन बूस्टर्स आर वेरी मच इन, पीपल वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, फॉरन. सो स्किन बूस्टर्स, मीजो बोटॉक्स, ल्यूमिनस बूस्टर्स, हाइलुरोनिक एसिड बूस्टर्स, 10 मिनट्स में आपको रिजल्ट्स मिले. 10 मिनट में आप गोरे हो जाएंगे, आप खूबसूरत हो जाएंगे. मेरा ख्याल है गोरा होना, गोरे हो जाएंगे. जिन्होंने गोरा होना है वो गोरे हो जाएंगे, जिन्होंने खूबसूरत होना है वो खूबसूरत हो जाएंगे. चलिए इनसे पूछ लेते हैं. जिन्होंने ग्लो लेनी है वो ग्लो ले लेंगे. अच्छा, ग्लो भी मिल सकती है 10 मिनट में, और 10 मिनट में आप गोरे भी हो सकते हैं निस्बतन. तो क्या होना पसंद करेंगे, ग्लो चाहिए या गोरा? हाँ, क्या चाहिए? गोरापन नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा गोरा जो ग्लो के साथ हो. वाह वाह, बड़ी आपकी एजुकेटेड ऑडियंस है, उनको पता है. नहीं, मुझे लगता है आपने मेरी वजह से. तो ये तो हमारे यूथ को एक बहुत इनकी एक खूबी है कि इनको अगर आप गाइड करें तो कितनी अच्छी तरह गाइड होंगे, है ना? बिल्कुल सही. सो दे आर वेरी इन्फॉर्म्ड एंड आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर देम. बिल्कुल सही, बिकॉज दे आर सो गुड. लेकिन ये जो कुछ हम आज कह रहे हैं ज़बानी दावे नहीं है, हम आज यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये चीजें ऐसे अप्लाई होती हैं, ये कुछ होता है और इनका ये कुछ रिजल्ट आता है. सो आपने ये तमाम चीजों को जानने के लिए तैयार है ना, ताकि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो आप बता सकें कि जी मुझे ये चीज चाहिए है और ये चीज ऐसे होगी, तब आपको पता चलेगा कि वो रिजल्ट जो हमने यहाँ पे दिखाया है उस रिजल्ट से मैच करता है जो आप हासिल करना चाह रहे हैं. एक और हमारे मेहमान बड़े जबरदस्त हमारे हर्बलिस्ट. आज हमने कुछ कराची और लाहौर वालों का मुकाबला भी करवाना. नहीं, बहन भाइयों का मुकाबला नहीं होता. बहन भाइयों का ही तो ज्यादा मुकाबला होता. नहीं होता. सारी जिंदगी का पहला मुकाबला होता ही बहन भाइयों से. तुम देखो वो कितना अच्छा पढ़ रही है, अब तुम क्यों नहीं पढ़ती हो? अब वो अलग 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 घरों में होता होगा, हमारे यहाँ तो साथ मिलके चलते हैं. साथ मिलके चलते, बिल्कुल. लेकिन हमारे एक बहुत जबरदस्त हर्बलिस्ट, इनका ताल्लुक लाहौर से है और वो बड़ी माशाल्लाह ऑथेंटिक और बड़ी जबरदस्त चीजें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे. डॉक्टर फैसल. अच्छा, मेरी देखने वाले कहीं ये ना समझे कि हम सिर्फ चेहरे के ऊपर बात करने वाले हैं. आज हम बात कर रहे हैं सरतापा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाह भाई वाह, तो वाकई मुझे लग रहा है कि ऑडियंस बड़ी पढ़ी लिखी और इन्फॉर्म्ड है. हाँ, बड़ी अप टू डेट है. बड़ी अप टू डेट. हाँ, आज हम पूरे जैसे कहते हैं ना हेड टू टो बात कर रहे हैं, जैसे बाल आ रहे हैं, बाल भी आ रहे हैं, चेहरा आ रहा है, स्किन आ रही है, वही चीजें आप हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पाओं पे भी अप्लाई कर सकते, ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ वजन भी तो आ रहा है. वजन भी आ रहा है, वो भी एक इतना अच्छा आपको कहवा बताऊंगा जो बहुत इजी टू यूज है और आपकी डेली की जो फैट है वो बर्न होती चली. बिल्कुल, वजन घटाइए और उम्र बढ़ाइए. उम्र बढ़ाइए, ठीक है, या वजन घटाइए जवानी पाइए, बस ये सही है. दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा भी? दोनों चाहिए हमारी ऑडियंस को, साथ दोनों चीजें जो हमने उनके साथ शेयर करनी है. अच्छा, जब बात आती है वजन की तो उसमें हम सब तो डॉक्टर जरका बता रही होंगी आपको, डॉक्टर फैसल बता रही होंगी, उम्मे राहील बता रही होंगी, लेकिन हर बंदे का एक अपना फील्ड होता है ना. तो न्यूट्रिशनिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो खास तौर पर हमें बताता है कि ये खाएं, इतना खाएं, इस वक्त खाएं, इस तरह से खाएं. सो हमने ये भी एक सिलसिला आज रखा है कि अगर शादी होने वाली है या किसी की शादी में जाना है या छोड़े शादी वादी को, अगर जिंदगी अच्छी तरह से गुजारनी है तो भी आप अपने वजन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं और कैसे 10 दिन के अंदर अंदर 5 किलो वजन आप डेफिनेटली खत्म कर सकते हैं. सो हमारे हर्बल एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट सायरा. भाई आजकल डॉक्टर जरका कुछ डाइट्स ने तूफान मचाया है, वो क्या है? जनरल डाइट एंड कौन कौन सी डाइट आज बताएंगे हमें. हाँ, बहुत सारा कुछ. फिर अगली दफा हम आएंगे तो 10 किलो हमारा कम होगा. एक्चुअली ये डाइट, एक्सरसाइज डाइट और ये डर्मेटोलॉजी और ये सब, इन सब फील्ड के साथ अगर इंटरनली आप नहीं फ्रेश हैं, इंटरनली आप में कैलोरीज कम है या आप वीक दिखाई दे रहे हैं, आपके डार्क सर्कल्स हैं, तो आप ओवरकम नहीं कर सकते. नहीं कम कर सकते. अच्छा, मुझे ना 2-3 दिन से मैं बहुत डाउन थी, मुझे लग रहा था उफ अल्लाह हिलने को दिल नहीं कर रहा, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, हाय टांग में दर्द हो रही है, उफ कंधे में दर्द हो रही है. तो मैंने वैसे ही मुझे ख्याल है कि यार विटामिन डी तो देख लेना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, और डॉक्टर जरका डेफिशिएंट था तो फिर मैंने विटामिन डी को थोड़ा सा अपना इम्प्रूव किया
तो मेरी हालत जो है बेहतर होगी। कोई भी एक भी न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में अगर कम हो जाता है, अगर आप कहेंगे हम बहुत चिकन मीट और बहुत ज्यादा फूड अपना इनटेक अच्छा कर रहे हैं और वाटर इनटेक पूरा नहीं कर रहे, मिनरल्स आपको पूरे नहीं मिल रहे, तो आपकी बॉडी जो है वो लेथार्जी को इस तरह से आप फील करेंगे, एक्टिव नहीं होंगे। बिल्कुल सही, वैसे भी आपको डिप्रेशन, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बॉडी एज, बिल्कुल सब कुछ, चिड़चिड़ापन भी साथ दे देता है। विटामिन डी तो आजकल मिरेकल मिरेकल विटामिन। सही, सो जिस जिस की सांस ज्यादा लड़ती है उनको विटामिन डी शुरू करवा दें। अच्छा जी, मैं मजाक कर रही थी, बहू भी अगर लड़ती है तो विटामिन डी अपना जरूर चेक करवा लें। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे अपना आज का ब्यूटी थिएटर। खुश आमदीद, आज हम आपको कह रहे हैं पहले चेहरे पर निखार फिर सजेगा सोलह सिंगार। सो पहले हमने अपने आप को ब्यूटीफाई करना है और उसके लिए आज मेरी हर्बल टीम बिल्कुल तैयार है। यस, मेरी मेरा हील डॉक्टर फैसल ये बिल्कुल सेट है आपको तमाम रेसिपीज और तमाम रेमेडीज नोट करवाने के लिए, जो आपके सर से लेकर पांव तक के जितने मसले मसाइल और अगर कुछ और आपके जहन में है जो आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं और हम उस मैसेज को अभी अपने प्रोग्राम में शामिल करके उस मसले को भी करेंगे। डॉक्टर्स टीम भी तैयार है? आइए डॉक्टर जरका, फिर जो आप कह रही थी 10 मिनट में हम रिजल्ट देंगे, देंगे तो आप इनमें से देखिए कि हमारी ऑडियंस में से किसको लगता है क्या प्रॉब्लम है उनका, किसी को लगता है कोई प्रॉब्लम है, किसी को एक्ने है, अभी हम आपको एक्ने है, जिसको एक्ने है और वो अपने चाहते हैं कि उनका फेस साफ हो जाए, एक्ने से साफ हो जाए, बेहतर हो जाए, यानी एक्टिव एक्नी से या निशान, एक्टिव एक्नी कम हो जाएगी और जो जिनके निशान है उनके निशान हल्के हो जाएंगे इन वन सिटिंग। बिल्कुल, ऑफ कोर्स बाद में और आ जाए, आइए आइए बैठे यहाँ पे। अच्छा, और इनका आपने क्या करना है? इनका ये भी यही चाह रही है मेरा ख्याल है कि इनकी एक्नी की स्किन, क्योंकि यंग लड़की है ना तो सबकी एक्नी ज्यादा है। ओके, सो इनको भी एक्नी से, इनके तो ब्लैक हेड्स भी बहुत, इनके तो ब्लैक हेड्स भी बहुत है और इनकी रेडनेस भी बहुत है, तो इनको इनका फेस भी क्लीन हो जाएगा, इट विल बिकम नीटर। ठीक है, आपको फर्क पता चलेगा कि इनकी कब एक्नी है, इनकी इनके आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, इनका ऑयल है स्किन पे, थिक हुई हुई है स्किन, क्योंकि डेड सेल्स बहुत है इनकी स्किन पे। सो दोनों का ट्रीटमेंट जब करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे दोनों। बिल्कुल सही, लेकिन दोनों का हम एक ही ट्रीटमेंट करने वाले हैं कि फर्क फर्क ट्रीटमेंट है? करना तो सिमिलर पड़ेगा, मगर इनकी हम रेडनेस को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, और कौन सा करना? और हमने कहा था कि हम एक बोटॉक्स करेंगे। बोटॉक्स किस, क्योंकि इसकी डिमांड आई थी, किसी ने कहा था कि आईब्रोज रेज करनी है। आईब्रोज कौन चाहता है उसके आईब्रोज ऐसे करके हो जाए? आप आ जाए, आ जाए, आ जाए। अच्छा, ये आईब्रोज फौरी तौर पे नहीं, आईब्रोज फौरी तौर पे रेज नहीं होगी, अबाउट 10% इमीडिएटली रिजल्ट आते हैं, बाकी आपको आइए सॉरी 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 बाकी 5 दिन के बाद रिजल्ट आना शुरू होता है और 10 दिन पे कंप्लीट होता है। बट यंग लड़कियां जिनकी आईब्रोज, जिनकी आईज पफी होती हैं, वो चाहती हैं कि थोड़ी लिफ्ट हो जाएं, खुल जाएं आंखें, तो उनके लिए इट इज वेरी गुड, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। अच्छा, ये सिर्फ यंग लड़कियों के लिए नहीं, मतलब अगर एजिंग भी है तो थोड़े से ओल्डर लोग कराते हैं, लेकिन यंग लड़कियां इसलिए कराती हैं ताकि उनको लाइंस पड़े ही ना। ठीक है, सो 20 के बाद बहुत यंग लड़कियां आजकल करवा रही हैं कि हमें लाइंस नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे इनके फेस पे डॉक्टर का बहुत सारे ब्लैक हेड्स भी हैं, ब्लैक हेड्स क्यों बनते हैं और इसका क्या हल है आपके मेडिकल, उसमें क्या ये भी किसी तरह से मसला फौरी तौर पे खत्म हो सकता है? तो इम्प्रूव तो हो सकता है ना। देखिए, सबसे पहले तो ब्लैक हेड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि एक्नी जो कंडीशन है उसमें आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होते हैं तो वो ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और स्किन के ऊपर एक प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक होता है जो एक्नी फिर कॉज करता है, फिर वो दाने बनाता है। ठीक है, अब जितना आप अपनी स्किन को मेंटेन रखेंगे, आप क्लेंस करेंगे, आप उसको साफ रखेंगे, उतनी आपके दाने बढ़ने कम होंगे। ठीक है, जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं उनके दाने हों भी तो वो बैठ जाते हैं और जो उनका, क्योंकि ये एपिसोड्स में आता है, 2-4 महीने 6 महीने आपको एक्नी होती है, मोटे मोटे या छोटे छोटे दाने बनते हैं, अगर आप उस दौरान उनका इलाज कराएं तो फिर वो इतने बदनुमा नहीं होते। ठीक है,
और अगर आप इलाज ना करें तो फिर वो ब्लैक हेड्स और सब कुछ बनना शुरू हो जाता है। चले हम प्रोसीजर शुरू करें इनके ऊपर कि हम सबसे पहले क्या अप्लाई करें। सबसे पहले हम इनका फेस क्लेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ इनके चेहरे पे लगा हुआ है उसको हम मेकअप रिमूवर से क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनको स्पिरिट से जो इनकी डीग्रीजिंग करेंगे और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में हम इनको पील अप्लाई करेंगे, सैलिसिलिक एसिड पील, दीज आर स्पेनिश पील्स जो हम इन पे यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली इनको एक सूदिंग मास्क लगाएंगे ताकि इनका फेस काम हो जाए, ठीक है। एंड डन, दैट प्रोसीजर विल बी डन। अच्छा, घर में ये क्या करें कि ये फिर मेंटेन रख सकें? घर में इनको जो है रेगुलर क्लेंजिंग की जरूरत है। अगर ये क्लेंजिंग रोजाना करें और जो इनकी और चेहरे पे कोई ऐसी चीज ना लगाएं जिससे इनको लाली आए, गर्म मसाले वाली खाने कम खाएं और पानी ज्यादा पिए, जो मुर्गी कोक और जो बाजार की बनी हुई चीजें, फिजी ड्रिंक्स नहीं पीने हैं और आपने बाजार की बनी खाने नहीं, मुर्गी कम खानी है क्योंकि मुर्गी से, मुर्गी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो जब यंग लोगों के जिस्म में जाते हैं तो उनको फिर वो हार्मोन्स उनके भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं और दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली मुर्गी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए जी, हम शुरू करेंगे अपना प्रोसेस। अच्छा डॉक्टर सरका, ये कहते हैं कि मुर्गी के बारे में ऐसे ही लोगों ने बदनाम किया हुआ है, मुर्गी के बारे में कोई ऑथेंटिक रिसर्च तो है नहीं किसी जगह पे मौजूद। असल में बात ये है कि जो लोग, बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ग्लोबली, ठीक है, तो जो लोग मुर्गी का बिजनेस करते हैं वो दे डोंट लेट रिसर्च कम आउट। अच्छा, और ये मैं आपको बताऊं, नेटफ्लिक्स आप लोग देखते होंगे, नेटफ्लिक्स पे मूवीज वीडियोस, नेटफ्लिक्स पे जाके आप देखें, एक अमेरिकन वीडियो है, इट्स कॉल्ड व्हाट द हेल्थ, और उसमें वो अमेरिकन्स अपनी अमेरिकन एसोसिएशन, उनकी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिकन डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन और अमेरिकन फार्माकोलॉजी एसोसिएशन के बारे में वो कह रहे हैं कि ये जो चीज, जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वही कंपनियां इनको फंड करती हैं, ठीक है। यानी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन को सारा मैकडॉनल्ड्स फंड करती है, मीठी चीजें बनाने वाली कंपनीज फंड करती है, वो बोले ना, ताकि वो बोले ना, तो जब वो फंड ही वो कर रहे हैं तो उन्होंने क्या उनके बारे में बोलना है। बिल्कुल सही। लेकिन हमने जी अभी इनकी, अभी इनका ये देखिए आप, क्लेंजर से इनकी, इनका मेकअप क्लेंजर से मेकअप रिमूव हुआ है या जो भी कोई सीबम है, इसके बाद स्पिरिट स्वाब से इनके जो ग्रीज होगी उसके अलावा वो रिमूव होगी और उसके बाद फिर हम इनको पील अप्लाई करेंगे जिसको 5 से 7 मिनट तक हम छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब इनके फेस पे पील अप्लाई करने लगे या नहीं? नहीं, अभी तो हम इनको स्पिरिट स्वाब, अभी हम स्पिरिट स्वाब साफ कर रहे हैं। गुड। अच्छा, कुछ ये ब्लैक हेड्स इनको निकलवाती हो फिर जाके आप? नहीं, बस रहने दो, अल्लाह की तरफ से है जो कुछ है। एक्चुअली व्हाट शी नीड्स इज के कुछ अरसे के लिए ये एक या तो ओरल दवा खा लें, हाँ, या ये वीकली कोई क्लेंजिंग प्रोसीजर कराएं। ओरल दवा मतलब जिन सब लोगों को है उन सब लोगों को एक ही ओरल मेडिसिन यूज करनी है? इट डिपेंड्स। अच्छा। क्योंकि हमारे पास जो रेंज होता है उसमें वी हैव एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंड वी हैव रेटिनॉइड्स ओरली देने के लिए, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स भी, ओरल रेटिनॉइड भी, दोनों आपको 3 से 6 महीने के लिए खानी होती है, ठीक है। तो वो फिर आप पेशेंट को देख के उसकी क्या इश्यूज हैं, क्या हो रहा है उसके साथ, उसके मुताबिक फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। सो मेरा ख्याल है हम इनको ये वाला गाउन दे देते हैं, हाँ, ये ताकि ये फिक्स हो जाए एक दफा, तो ये भी इजी एंड कंफर्टेबल। चलें जी, डन। अच्छा, अब हमने इनके फेस पे स्पिरिट अप्लाई कर दिया, पहले हमने क्लेंजिंग की ऊपर से, फिर हमने इस पे इनको डीग्रीजिंग की है और अब हम इनके ऊपर सैलिसिलिक एसिड पील लगा रहे हैं। और ये पील लगा के आप बता रही हैं कि 10 मिनट में इनके चेहरे पे एक ग्लो आ जाएगा, है ना डॉक्टर सरका? जी जी, एक ग्लो आ जाएगा इनके चेहरे पे 10 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी। दिस इज द पील, ठीक है जी, दिस इज द स्पैनिश पील जो हम इनको लगाने लगे और अब हम इनके स्किन के ऊपर, ठीक है। और ये पील जो है जी, ये कोई भी लगा, ये बड़े माइल्ड पील्स हैं, मैं आपको बताऊं, जो अनफॉर्चुनेटली अमूमन जो पील्स लगाए जाते हैं क्योंकि ये बड़े कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, हर पील जो होता है वो एक माइल्ड एसिड होता है, तो एसिड क्या करता है, अगर ज्यादा मिकदार में हो तो वो जला देता है। सो ये जो पील्स हैं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ यूरोपियन पील्स हैं, बिकॉज ये बड़े कंट्रोल्ड होते हैं, ये आपकी स्किन को खराब नहीं करते, ठीक है, ये आपको जलाएंगे नहीं, ये एक्चुअल पीलिंग आपको नहीं नजर आती, ठीक है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को जेंटली इंप्रूव करते हैं। अच्छा, और ये कितनी पीलिंग हफ्ते में? हफ्ते
हफ्ते में एक ठीक है और वीकली यू शुड गेट समथिंग डन ओके उसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं आप एक्ने के पेशेंट्स के लिए एक तो पील है माइक्रोडर्म एब्रेशन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन जिसमें के ऊपर से डेड सेल्स उतर जाते हैं आपके ब्लैक हेड्स भी बेहतर हो जाते हैं इसके अलावा अब हाई फ्रीक्वेंसी थेरेपी है जिससे के जिसमें आयोनिक चार्ज उसमें मिलता है हाई फ्रीक्वेंसी थेरेपी से एक्नी सप्रेस हो जाती है बिल्कुल ठीक है तो हम एक कॉम्बिनेशन करते हैं अमूमन अपने पेशेंट्स का जिसमें कि उनको एक हफ्ता उनको हम करते हैं पील ठीक है एक हफ्ता हम उनको करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी फिर डिपेंडिंग अपॉन उनकी स्किन की क्या नीड है उस वक्त ठीक है तो उसके मुताबिक हम उसको चेंज करते हैं इन्होंने ये बताना है अगर बेटा आपको कोई जलन महसूस हो रही है तो आपने बताना है या दिल में तो नहीं हो रही अगर आपको चुभन या जलन महसूस हो तो आपने बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट के साथ कनेक्टेड हो उसके साथ कोई खड़ा हो ये ना हो कि आप पील लगा के तो गायब हो जाए सही तो वो फिर अगर उनको कुछ महसूस हो रहा है क्योंकि लोगों की वैसे भी एक्ने वाली स्किन है सेंसिटिव हो बिल्कुल अच्छा लेकिन ये देखिए कुछ जगहों पे वाइट हो रहा है ये दिस इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द स्किन दिस मीन्स कि वो एक्ट कर रहा है ठीक है और ये कह रही है कि इनको कुछ महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल सही वेरी गुड सो चलो सो दैट मीन्स इट्स अ गुड पील बट हम इस जगह पर से थोड़ा सा सेलाइन दे दें मुझे उसको हम क्लीन कर लेते अच्छा डॉक्टर सर का आप बाकी अपनी हम नेक्स्ट को प्रिपेयर करेंगे और मैं तब तक जरा यही मसला ये जो ब्लैक हेड्स का है उमेरा हिल आके देखिए ना तो पूरा फेस ब्लैक हेड से भरा हुआ है वो वैसे बहुत रेड हो रही है उनकी स्किन और रेडनेस भी हो रही है तो क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जिससे हम ऐसे ब्लैक हेड्स बने ही ना और अगर बने हुए हों तो हमें फिर बहुत ज्यादा उन्हें निकलवाने की जरूरत ना पड़े उनकी स्किन की जो कंडीशन है जैसे एक्ने के स्कार्स भी है रेड भी हो रही है तो बड़े आराम से कुछ चीजें होती है नेचुरली अगर हम लगाते हैं तो वो स्किन इस तरह से बुरी हालत में आती ही नहीं है वो क्या चीजें वो बताएं ना चलो हमने आपसे जाननी है चीजें कि ब्लैक हेड्स के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है ठीक है इसके लिए बड़ी माइल्ड सी हम चीजें लेते हैं पहले तो आप बालों के लिए तैयार थी मेरा ख्याल नो प्रॉब्लम कोई सब चीजें मौजूद है और वो तमाम चीजें घर में होती है तो कुछ भी लगा ले आप कोई मसला नहीं आता है ठीक है अच्छा यहाँ पे मैंने रखा हुआ है सैंडल रेड सैंडल रेडल संदल पाउडर लेकिन रेड या व्हाइट कोई भी आप ले सकते हैं ठीक है संदल पाउडर ले रहे हैं संदल का बुरादा भी संदल का बुरादा उसको पहले बुरादा होता है फिर पीसते हैं तो वो पाउडर बन जाता है ठीक है तो उसके साथ जो है थोड़ा सा लेंगे रोज पेटल्स ठीक है ये ताजा भी हो सकती है हाँ बिल्कुल इस पर ड्राई है तो हमने इसको लेके क्रश कर लिया ठीक है सो संदल का हमने बुरादा को पाउडर बना लिया बिल्कुल या पाउडर ही ले लिया आपने इसमें आपने नीम की पत्तियां या नीम की निम्बोलियां जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है अच्छा इस बार पत्ते हैं वो डाले लेकिन जो नीम की निम्बोली होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है अगर आप वो लगाते हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त चीज है सो नीम की गुठली जो है जो फल होता है निम्बोली जो फल ठीक है उसका छिलका वो सख्त वाला जो है वो पाउडर बना लेंगे आप अच्छा सख्त वाले छिलके समेत जो गोलियां सी होती है पूरा उसका क्रश करके पाउडर बना लेंगे ठीक है अच्छा एक होता है मेरा ही नीम एक होता है धरेक का गोल वाला होता है हाँ नहीं और नीम की बात नीम की बात नीम की थोड़ा लंबा लंबा थोड़ा होता है और गोली छोटी छोटी सी नीम की निम्बोली हम उसको कहते हैं ठीक है ठीक है अच्छा इसमें जो है हम डालेंगे ये क्या चीज़ है हरा धनिया का पानी यानी हरा धनिया को हमने पीस लिया पीस के उसका पानी निकाल लिया ठीक है और निकाल कर उसको आपने मिक्स कर लिया एक चीज ये चार चीजें हमने इस्तेमाल की संदल इस्तेमाल किया गुलाब है नीम की निम्बोली और धनिये से हम पेस्ट बना रहे हैं ये हम डाल रहे हैं एक सर दर्द की गोली इससे क्या होगा ये वही है जो हम पीलिंग में इस्तेमाल करते हैं सैलिसिलिक एसिड अच्छा तो हम नेचुरली हर कोई पील नहीं कर सकता है हर कोई इसको मैनेज नहीं कर सकता कैरी नहीं कर सकता आप घर में लेके पील नहीं लगा सकते लेकिन सिर्फ ये जो एक टैबलेट है आप सिर्फ इसको रोजाना घोल के लगाना शुरू कर देते हैं स्कार्स आपके एक्नी आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नेचुरली खत्म हो जाते हैं अच्छा जी हाँ वेरी गुड यार कितना सस्ता सा इलाज है ना ये तो मतलब जिनके निशान कितना कंट्रोल नहीं हो रहे और स्किन पे बड़े गढ़े आ गए अब जाहिर सी बात है हर कोई एक जा नहीं सकता है घर में इलाज नहीं कर सकता है कि खुद किस तरह से करेंगे ठीक है या फिर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है उनके लिए जो सरदर्द की गोली है उनका दर्द खत्म कर देती है उनकी जिंदगी का जो मसला है वो हल कर देती है बिल्कुल सही तो हम ये सब चीजें अप्लाई करेंगे किस तरह के फेस के ऊपर हमें अप्लाई करेंगे बस ये जैसे इनका फेस एक्नी है या ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो रहे हैं या एक्नी जैसे रोजेशिया होती है स्किन बहुत रेड रहती है और हर वक्त एक जरा जरा से मौसम चेंज होते हैं तो एकदम से पॉप आउट हो जाते हैं एक्नी और दाने बन जाते हैं और हर वक्त स्किन के ऊपर एक रेड सी कंडीशन रहती है ठीक है एक्नी की कोई भी कंडीशन है कोई भी मसला है आप अपना ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं करते रहेंगे और साथ में ही लगाते रहें ठीक है उसमें ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ओपन पोर्स आपके एक्नी के स्कार्स और एक्नी तमाम चीजों में एक चीज लगती है तमाम चीजें कवर होती है बस गुड ब्यूटीफुल जबरदस्त
यहाँ पे क्या हो रहा है डॉक्टर सर का? जी इनका भी हमने ये कहा था कि दोनों एक्ने की डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, तो हम इनको भी सैलिसाइलिक एसिड पील कर रहे हैं, ठीक है, और देखेंगे कि दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों के रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आता है, आता है, ठीक है। उनको हमने जेल लगाई है, शी वॉन्ट्स टू गो फॉर बोटॉक्स, तो मैंने उनको नंबिंग जेल लगाई है जिन स्पॉट्स पे मैंने उनको इंजेक्ट करना है, ठीक है, ये 20 मिनट्स तक लगी रहेगी, ठीक, और उसके बाद जो है फिर ये नंब हो जाएगा, फिर इनको नीडल फील ही नहीं होगी, ठीक है, और ऐसे लगेगा कि खेल तमाशा हो रहा है, तो ये खेल तमाशे में हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। अच्छा, इसके कोई डाउनसाइड्स भी होती हैं, मतलब जब हम इस तरह की सर्जरीज के लिए या इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं जो इन्वेसिव हैं थोड़े से? वो मिनिमली इन्वेसिव है, हाँ, हाँ। उसमें देखिए जी, कोई भी चीज अगर आप सही तरह से नहीं करेंगे, कपड़े भी आप किसी चलते फिरते दर्जी से सिलवाते हैं तो कैसे होते हैं, डिजाइनर के पहनते हैं तो कैसे होते हैं, ठीक है, सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर मेडिकल प्रोडक्ट, तो दे आर नॉट, अगर आप इनको केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो वो तरियाक जहर बन जाता है, सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर बोटॉक्स गलत जगह लग जाए, क्वांटिटी गलत लग जाए, फिर बोटॉक्स के बाद आपको केयर करनी होती है। हम एक घंटे के लिए एडवाइस करते हैं कि आप जिन मसल्स में बोटॉक्स लगाए उसको आप एक्सरसाइज करें। अच्छा, सो इनको हम ये कहेंगे, बेटा क्या नाम है आपका? आयशा। सो आयशा को हम ये कहेंगे कि आयशा को इंजेक्शन लगने के बाद फॉर 1 आवर आयशा यूं और यूं करती रहेंगी। अच्छा, फिर आप सबको बड़ी तीखी नजर से देखेंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद तो वो एक घंटे में, फिर वो ये होता है कि बोटॉक्स जिन मसल्स में हमने उसको डालने की डाल रहे हैं, जो कि प्रोसेरस और कॉरुगेटर मसल्स हैं, उसको फिर ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर इनको ये भी एडवाइस होती है कि 4 घंटे तक इन्होंने लेटना नहीं है, 4 घंटे तक इन्होंने अपराइट पोजिशन में रहना, ठीक है, और 24 घंटे इन्होंने बाल ब्लो ड्राई नहीं करने, हीट नहीं देनी, यहाँ पे मसाज नहीं करनी, बिल्कुल ठीक, एक्सेसिव एक्सरसाइज भी नहीं, ठीक है। सो ये तमाम प्रिकॉशंस जो है वो सब लोग जो कि इस तरह के प्रोसीजर डॉक्टर हमेशा नहीं बताते, मैं भी पहली दफा जिंदगी में सुन रही हूँ, अच्छा ये भी सब कुछ जो है वो साथ इसके होता है। सो ये आपने केयर करनी होती है। इनका प्रोसीजर डन, इनका प्रोसीजर क्लीन हो गया इनका, ठीक है। तो अब क्या ये फाइनल रिजल्ट्स हैं जो कि हम देख रहे हैं? इनके ऊपर आपने मास्क लगाना, मास्क भी इन पे लगेगा, और फिर इनको रेडनेस के लिए हम कुछ लगाएंगे। अच्छा, मास्क लगाएंगे और फिर इनकी रेडनेस जो है उसको उसमें कवर करेंगे। डन डॉक्टर साहब, आप जब तक कंटिन्यू कर रही हैं, डॉक्टर फैसल जी, हम वैसे तो चेहरे की बातें इस वक्त करना शुरू कर दी, लेकिन मुझे आपका काउंटर इसलिए मजे का लग रहा है कि सारी मजे की खाने पीने की चीजें यहाँ पे पड़ी हैं, और इन्हीं से हम मास्क भी बनाएंगे और इसी से स्मूदी भी बनाएंगे। अच्छा गुड, तो अभी पहली कौन सी स्मूदी और मास्क आप हमें बताने लगे? पहले आपको एक, अभी ये बात हो रही थी दानों की और चेहरे की रेडनेस की, उसी के लिए एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ आपको। ये अनार के, अनारकली ठीक है, उसके पत्ते और ये रोजमेरी इस तरह से मिल जाती है, ठीक है इन दोनों को पीस इससे पाउडर बना के रख लें, ठीक है, अनारकली और रोजमेरी ठीक है, इनके आपने पाउडर बना के इस तरह से रख लिया, और उसमें आपने जो उनसे थोड़ा सा डालना है अरके गुलाब, ठीक है, जब आपने लगाना हो तो उसमें इन्हें अरके गुलाब, आप अरके गुलाब डाल के इसमें रख लें, अब इसको आप रख लीजिए, ठीक है ना, ये इस तरह से आपका ये लिक्विड सा एक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको कॉटन से या स्प्रे बॉटल में किसी भी चीज में रख के आप इसको दिन में लगाती रहिए, ठीक है। अब जिस तरह से प्रोसीजर्स हो रहे हैं, इन प्रोसीजर्स के बाद जो उनसे केयर होती है आपकी, कुछ डॉक्टर साहब ने बता दिया, और कुछ ही होता है कि फिर आपने घर में भी कुछ उसको मेंटेन करने के लिए केयर चाहिए होती है कि स्किन आपकी फ्रेश रहे और वो ग्लोइंग रहे, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे टोनर बन गया आपका, हाँ। तो इसका आप इस्तेमाल अगर स्किन पे करते रहे तो इंशाल्लाह ये जो ट्रीटमेंट है इसका इफेक्ट अगर 3 महीने चलना है तो वो तकरीबन 4 से 6 महीने चलेगा। तो डाला हमने इसमें था अनारकली और साथ हमने डाली थी रोजमेरी और साथ हमने अरके गुलाब, इन तीन चीजों को मिक्स करके हमने अप्लाई करके टोनर से एक बना के रख लीजिए और उसको आप अप्लाई कर डन। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया स्किन के ग्लो के लिए, फ्रेशनेस के लिए टोनर, और क्या चीज है? अच्छा जी, अब स्किन के लिए बताऊं? जी स्किन के लिए, ठीक है। अभी हम चेहरे पे आ गए, बाल हम अभी थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं, ठीक है। अभी जैसे बात दानों की भी हो रही है या ओपन पोर्स की हो रही है और ब्लैक हेड्स की हो रही है, तो ये अभी डॉक्टर साहब बात कर रही थी निमोली की, ये तुख्मे निमोली, तुख्म ऐसे होते हैं, मैं आपको दिखा, यानी ये नीम के जो गोलियां हैं निमोली जो उनसी है, ठीक है, ये उसके भी तुख्म है, बीज है। ये कैसे निकले? उसकी गुठली को ये आपको मिल भी जाते हैं? अच्छा, ये आपको तुखम निमोली कहेंगे तो ये आपको पंसार से मिल भी जाते हैं। अदरवाइज ये है कि आप उसको जो उनसे गोली सी होती है उसको आप छील लें तो अंदर से आपको ये तुखम मिल जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमने तुखम और नीम की पत्तियां उसका हमने पाउडर बनाया, सही, ठीक है। उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे खिचड़ी, ठीक है,
आम फिटकड़ी आम फिटकड़ी जो सी है वो डालेंगे एक चुटकी भर। और कितनी है ये जो सफूफ है ये कितना ये तकरीबन एक से डेढ़ टेबल स्पून आप समझ लीजिए। और नीम के पत्ते पीस के तकरीबन एक से डेढ़ टेबल स्पून उसमें हमने एक चुटकी लिए फिटकड़ी 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 डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये कुछ ठीक है कोई सा भी माउथ वॉश ले लीजिए ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें और फिर इसका हम बना लेते हैं पेस्ट ठीक है। और ये पेस्ट हमने सिर्फ जो उनसे क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी चीज़ बनती है तो इसलिए इसको आपने सिर्फ जो दानों वाले हिस्से सिर्फ दानों के ऊपर जो एक्टिव एक्नी है उसके ऊपर आपने लगाना है। तो कितनी दिनों में दाने जो है बैठ जाएंगे? कितने दिनों में नहीं इंशाल्लाह कुछ घंटों में दाना जो उनसा है जो मोटे से मोटा दाना भी होगा कुछ घंटों में इंशाल्लाह बैठ जाए। कोई है जिसका एक्नी का ऐसा कोई स्पॉट हो उसे लग रहा हो कि यार ये मेरा दाना किसी तरह से अभी बैठ जाए ना तो बड़ा मजा आएगा? कोई है जिसको एक आध दाना एक्नी का निकला हुआ है किसी के चेहरे पे है? अभी तो हमारे जो लोग आए हैं सबके चेहरे बहुत साफ सुथरे हैं, उनको एक्नी इस तरह से है नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं अगर पॉप आउट एक्नी हो तो उसमें है भाई कहाँ है दाना? हाँ, सो ये पिंपल पहले कैमरे को दिखा दो ताकि फिर हम इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे कुछ तो हम देखें कि इसके ऊपर रिजल्ट आया कि नहीं आया। वैसे ब्लैक हेड है आपका माशाल्लाह, इधर देखो। इसकी बात कर रही हैं आप कि इसके ऊपर हम अप्लाई करें? आए सो आपको एक पेशेंट मिल गए हैं डॉक्टर फैसल गाउन बैठे, तो ये हम अप्लाई करेंगे इनके चेहरे के ऊपर सिर्फ उस जगह पे जहाँ जहाँ पे दाने के स्पॉट्स हैं। हाँ, ये एक आईब्रो के दरमियान में है, एक जो दाना है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि कितनी देर में बैठता है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब का यहाँ पे क्या रहा सूरत हाल? यहाँ पे ये रहा जी कि इनको मैंने एक बिकॉज शी हैज रेडनेस तो इनकी रेडनेस के लिए अब एक कामिंग क्रीम लगाई है मैंने और उसके ऊपर इनको एक सूदिंग मास्क लगा दिया। इतना जबरदस्त मास्क है मेरे पास भी है घर में, ये एकदम से आपकी स्किन को फ्रेश और आपको एक ग्लो दे देता है और एक रिजुविनेशन का इफेक्ट जो है वो आ जाता है। लेकिन ये क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है? पता नहीं, हमें तो एजेंट सप्लाई करते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, सो आई रियली डोंट नो, या फिर हम लेते हैं एग्जीबिशन से। ओके, सो इसका मतलब है अगर किसी ने खरीदना हो तो आपके पास वो आए? हाँ, हम यूजुअली बेचते नहीं है, हम अपने पेशेंट्स को प्रोसीजर में लगाते हैं। लेकिन अब आजकल आ गए हैं मार्केट में बहुत से मास्क जो कि आप खरीद सकते हैं, उसमें सूदिंग मास्क भी हैं, उसमें एंटी एजिंग मास्क भी हैं, और आप वो वंस अ वीक भी यूज करें तो दे गिव यू अ वेरी नाइस रिजल्ट। बिल्कुल सही। सो हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे हैं वापस। खुशामदीद, आज हम आपको बता रहे हैं किस तरह से 10-15 मिनट में ग्लो जो है वो आप ले लेंगे। और डॉक्टर जरका ने दो प्रोसीजर्स बताए हैं किस तरह से आपने अपने फेस के ऊपर केमिकल पील अप्लाई करना है और एक अच्छा सा आपने मास्क अप्लाई करना है और उसके बाद आप उस मास्क को एंजॉय करेंगे, रिलैक्स होंगे। मास्क में वैसे इसमें मैं उस दिन पढ़ रही थी, बहुत जबरदस्त मास्क है ये, इसमें बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, इट गिव्स ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। इसके अंदर रोज वाटर, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन को प्लम्प करता है। नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड भी कुछ होता है हमारे अंदर, होता है ना नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड, तो उसी को कॉपी किया जाता है ना इसके बीच में, ठीक है। और हाइलुरोनिक एसिड और फिर इसके बीच में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो उन्होंने स्पेशल भी डाले हुए हैं जो आपकी स्किन को ल्यूमिनस करते हैं, स्मूथिंग इफेक्ट देते हैं। तो इट्स वेरी गुड, 25 मिनट के लिए आप लगाते हैं तो आप उठते हैं, आपको लगता है आप एक नई दुनिया में, आपको अपनी स्किन की फील ही डिफरेंट होती है। बिल्कुल सही। सो हम ये अप्लाई करके छोड़े, बिल्कुल जी। बोटॉक्स अप्लाई करना है? बोटॉक्स अभी 5 मिनट और, सो तब तक कैसी है इरम जी? इनके मुंह पे और वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है खुदावंद का। सारा आप भी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, आइएगा जरा, क्योंकि अब हमने बात करना है कि कैसे एक हफ्ते में 10 दिन में आप अपने वजन को कम कर सकते हैं 5 से 10 किलो तक, उसके लिए क्या करना जरूरी होगा? अच्छा फरा, बेसिकली हम लोग कंफ्यूज होते हैं पहले के व्हाट वी हैव टू ईट, कि हम लोगों को क्या लेना है, किसी को प्रॉपरली ये पता नहीं होता। और हमसे ज़्यादा जो बाहर के लोग हैं, अमेरिकन्स हैं, उन लोगों ने हमारा सिस्टम अपनाया। पहली चीज़ तो ये कि इस्लाम ने हमें फास्टिंग बताई, और जो आज हम प्लान डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इफेक्टिव है, आप एक वीक के अंदर ऑलमोस्ट 7 pounds तक अपना रिड्यूस कर सकते हैं। 7 pounds अगर मतलब जो रिजल्ट्स हैं उस बंदे के, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप जो है 3 kg एक वीक के अंदर रिड्यूस कर, एक हफ्ते में 3 kg तक तो आप reduce करेंगे ही, लेकिन 5 तक भी हो सकता है। 5 तक भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि लाइक आप अगर करना है क्या, फास्टिंग कर रहे हैं उसमें आप क्या चीज़
अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या चीज आप उसमें खाना चाह रहे हैं क्या नहीं खा रहे, तो करना क्या है इसके लिए? एक तो ये कि जैसे सारा भी बता रही है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर फैसल भी यही है ना कि महीने में 3 दिन आप रोजा जरूर रखा करते, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है आपकी ऑटोमेटिकली जी, और वो चांद की तारीखों के लिहाज से 13, 14, 15 का प्रेफरेबली होता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगी उसमें 8 आवर डाइट है जिसमें आपने 8 घंटे दिन में आपने खाना है और बाकी आवर्स जो है आपके फास्टिंग है। नहीं, और ये मैं आपको बताऊँ ये कुछ चीजें जो मैंने भी बड़ी रिलीजियसली फॉलो की है, इसलिए मेरी एक दोस्त होती थी अमेरिकन थी वो, और वो योगा किया करती थी, और अगर आप लोगों को याद है शुरू में जब मैंने शोज के मैं उसे इनवाइट किया करती थी वो इतनी स्ट्रिक्ट थी इन बातों में, वो कहती थी सूरज डूब गया है अब कुछ नहीं खाना, अब इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता खाने का कोई सिलसिला पैदा, सूरज के डूबने से पहले पहले जो कुछ खाना है वो खाना है, इसके बाद आपने नहीं खाना। हमारा पैटर्न भी यही होना चाहिए कि देखिए डाइजेशन हमारी स्लो हो जाती है जब हम खाते ही लेट जाते हैं फौरन ही, तो हमारी डाइजेशन स्लो हो गई, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी आपकी, वैसे के वैसे जो इनटेक आपका पड़ा हुआ है वो स्टमक में ही रहेगा। क्या करते हैं डिनर जाके कर रहे होते हैं 10-11 बजे, क्या है बारबेक्यू भी होना चाहिए, स्टीम रोस्ट भी होना चाहिए, है ना, सारी मुरगन चीजें पूरे दिन की कसर हमने रात 11 बजे निकालनी। अब देखें कि 8 आवर डाइट और बाकी 16 आवर आपकी फास्ट, यानी अगर मैंने सुबह अपने दिन को शुरू किया 12 बजे सुबह, मेरी आदत है आराम से लेट सो के उठने की, मैंने मॉर्निंग शो के साथ ही शुरू कर लिया है, तो मैं नाश्ता सुबह ये करूंगी उसके बाद से लेके शाम को कितने बजे तक, शाम अगर आप देखें डिपेंड करता है, अगर आपने 12 बजे स्टार्ट किया तो शाम आप 7 बजे तक खा सकती हैं, ठीक है 8 आवर्स आपने हमने पूरे कर, अगर मैंने गलती से 10 बजे दिन शुरू कर लिया है तो आपने मैक्सिमम 5:30 तक आपने इनटेक करना है, और उसके अलावा आप अगर बाद में आप कुछ खाएंगी तो आपकी वो निबलिंग और एक्स्ट्रा ईटिंग में चले जाएगा। अच्छा ठीक है, और इसके जो मैं आपको प्लान बताऊंगी कि लाइक आपने जो मॉर्निंग 10 बजे आप अगर अपनी डाइट स्टार्ट करते हैं और 5:30 तक आपने उसको क्लोज करना है तो उसके दरमियान में आपके पास बहुत ऑप्शन होती है, आपने मील्स ले रहे हैं स्नैक्स भी ले सब चीजें कुछ भी खा सकते हैं, हाँ कुछ ले सब कुछ खाएं, अपने आपको बाउंड ना करें, रोटी खाएं चावल खाएं दालें खाएं सब्जियां खाएं फल खाएं, आप इंटेक करें लेकिन कैलोरीज हेल्दी फूड लें, प्रोसेस्ड फूड ना लें आप, और जिसमें सॉल्ट इंटेक हो, वाटर टेंशन हो जाती है बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा होना समटाइम शुरू हो जाता है, सही, तो वो इंटेक ना करें जो इसमें ज्यादा स्पाइसीज हो या प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिस तरह वो आप ना ले, हेल्दी तो बात कर रहे हैं इस डाइट प्लान की और इस चार्ट की कि आपने तकरीबन 16 घंटे जो है आपका पेट खाली रहना चाहिए, आपको बिल्कुल रोजे की फाके की हालत में रहना चाहिए, और उसके बाद बाकी आपने 8 घंटे दिन के जो है वो खाना है और उसमें आप खुला खाएं, बिल्कुल आपने अपना टाइमिंग फिक्स करनी है, लाइक अगर आपने 10 बजे इनटेक कर रहे हैं आप 10 o'clock आपने खाना स्टार्ट कर दिया और आपने 5:30 उसको क्लोज करना है, उसमें आप एक्स्ट्रा ईटिंग नहीं कर सकते, उसके बाद उसमें 3-4 कैलोरीज ले लेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, पर आप डिपेंड करता है ना, देखिए आप कैलोरीज आपने कितनी लेनी है, एक मील में आप 200 से 300 मैक्सिमम कैलोरीज ले सकते हैं, उसके दरमियान में आपने एडजस्ट करना है। अच्छा वो क्या होगा मतलब उसमें दो कि वो कौन सा मील है कौन सा खाना है जिसमें 200-300 कैलोरीज पूरी हो, मॉर्निंग में एक नॉर्मल बंदा जिसने वेट रिड्यूस करना है वो 1000 तक कैलोरीज 1000 से 1200 कैलोरीज एक दिन में ले सकता है, एक पराठे में कितनी कैलोरीज होंगी, एक पराठे में आपको 120 कैलोरीज मिलती है, तो हम सुबह एक पराठा खा सकते हैं, खा सकते हैं लेकिन बाकी डे में आपने इसको एडजस्ट करना, ठीक है वही बात आ जाती है कि हेल्दी ईटिंग करनी है, डन, एक सुबह हमने पराठा खा लिया, मैं अपना बताती हूँ सुबह हमने पराठा खा लिया और जब खाना है तो फिर टिका के खाना है, देसी घी भी होना चाहिए मक्खन भी होना चाहिए पराठा भी खालिस आटे का बना होना चाहिए, देखिए एडजस्टमेंट है ना, एंजॉय करें आपके दोपहर में आप सब्जियां ले लें, कच्ची सब्जियां सैलेड फ्रूट्स ले लें सूप्स ले लें इस तरह की चीजें ले लें, और शाम में 4-5 बजे के करीब आकर आप एक अच्छा सा डिनर कर मील लें, और उसके बाद हाँ एक चीज और जो आपको ये भी बताएगी कि 8 आवर्स डाइट के साथ साथ एक 8 मिनट्स की जो वॉक है हर मील के बाद, एट मिनट की वॉक ठीक है हर मील के बाद आपने करनी है, ठीक, ताकि वो आपकी जो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी वो साथ साथ आपकी जो है रिड्यूस भी होती जाए, और ये अगर हम वॉक ना कर सकें तो घर के अंदर वो कौन सा ऐसा वर्कआउट है, अब खवातीन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डंबल उठाएं तो ये वाला सूट पहने तो वो करे, तो 1-2 मिनट का वो ऐसा वर्कआउट, झाड़ू भी लगाना है तो झाड़ू कैसे लगाने के यार स्पॉट भी हो जाए उसमें, तो उसमें पेट की एक्सरसाइज भी हो जाए तो थाइस की भी हो जाए, और सब बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि लेडीज के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है स्पेशली अपने लिए, क्योंकि घर के कामकाज तो मतलब लेडीज हैंडल कर लेती हैं लेकिन अपने लिए टाइम निकालना वाकई बहुत मुश्किल है, तो जिस टाइम में हम अपने घर का काम कर रहे हैं उसी दौरान हम उन्हीं चीजों के साथ जिनके साथ हम घर का काम करें एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बताएं कैसे होगा, आप जैसे अगर आपके पास घर पे डंबल्स नहीं है आप वाटर बॉटल ले लें,
डेढ़ लीटर वाली, आप उसमें रेत भर ले, डेढ़ लीटर पानी की बोतल में रेत भर के, रेत भर ले बेशक, ठीक है, मतलब वही आप अगर पकड़े और उससे एक्सरसाइज हो सकती है। अगर मैं डंबल्स यूज करूंगी आप समझे कि आप वो बोतल्स पकड़ी, रेत की बोतलें पकड़ी हुई आपने, ठीक है ठीक है। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो आप घर पे इजिली कर सकेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने पकड़े हुए हैं, आप इसके साथ स्क्वाट्स का एंगल लगा सकते हैं, जैसे कि अपने डंबल्स पकड़े हुए हैं, हम कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हमारी फुल बॉडी यूज हो, ठीक है ठीक है। हमारी इसमें एक वक्त में दो मसल्स हमारे यूज हो रहे हैं, बल्कि थ्री मसल्स, लेग्स के फुल मसल्स और आर्म्स के। देखो जैसे आपने वाटर बॉटल्स पकड़ी हुई है और आपका इसमें एंगल परफेक्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करते हुए आपका एंगल गलत नहीं होगा। अगर एंगल गलत होगा तो आपके नीज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, बैक एक स्टार्ट हो जाएगी। गलत एंगल कौन सा है, क्या नहीं करना? जैसे कि अगर हम सिंपल स्क्वाट्स कर रहे हैं तो हमारी नीज ये आगे आ जाती है, हमारी नीज आगे आएंगे, इसका मतलब आप टोज पे प्रेशर डाल रहे हो, घुटनों पे डाल रहे हैं। बिल्कुल, टोज पे प्रेशर नहीं डालना, हमें हील्स के थ्रू ऊपर आना होता है, ठीक है। जैसे कि अब हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, मैं आपको अपना साइड एंगल चेक करवाती हूँ। अब ये देखो मेरी नीज टोज से आगे नहीं है, ठीक है ठीक है। डन, बहुत शुक्रिया सारा, वापिस आ रहे हैं इरम, सारा आपकी तरफ। लेकिन हमारे हर्बलिस्ट भी तो हमें कुछ बताएंगे ना कि यार वो क्या चीजें हैं जो सूप्स कुछ चीजें साथ सप्लीमेंट करें कि वजन और भी ज्यादा तेजी के साथ हमारा कम हो रहा और खत्म हो रहा। ब्रेक ले लें पहले, और ब्रेक के बाद फिर हम वापस आपको बता रहे हैं कि वजन में कैसे आप काबू पा सकते हैं। शामदी जनाब, हम आपको बता रहे हैं एक हफ्ते में आपका 3 पाउंड फॉर श्योर, लेकिन अगर आप साथ हमारे हर्बलिस्ट की इन चीजें और ज्यादा अच्छी तरह से चीजों को फॉलो करेंगे तो 5 किलो तक वजन जो है वो आप 10 दिन में अपना नॉर्मलाइज कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अच्छा, क्या उसके लिए क्या करें? अच्छा, आपकी तरफ से क्या लिए तरह से तो डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो बनाएंगे थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, ये कोड़तुम्बा है। कोड़तुम्बा, ठीक है ठीक है। इसको हमने रात को पानी में भिगो दिया, इसका हमें जूस चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, इस ड्राई में से जूस नहीं निकलता, तो हमने पानी में भिगोया तो सुबह ये पानी ऐसा हो गया, ठीक है, पूरा अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो सुबह इसको हमने छान लिया, इसमें डालेंगे हम सफेद जीरा, ठीक है। सफेद जीरे के बारे में तो सारा भी हमें कुछ बहुत कुछ बता रही थी अभी, जो मैं अभी आपसे भी पूछती हूँ। और ये है सौंफ, ठीक है, दोनों चीजें डाल के, और इसमें अजवाइन, जिसका वेट बहुत ज्यादा है, पेट खराब रहता है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटिंग रहती है, वो थोड़ी सी अजवाइन भी इसमें डालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको किसी भी से भिगो के बर्तन में फैला के रख देंगे और रोजाना हिलाते रहेंगे। अच्छा, कुछ दिनों के बाद जैसे थोड़ा सा ये पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, जैसे पानी हाफ हो जाएगा, 3 से 4 दिन लगते हैं, ठीक है। यानी हमने कोड़तुम्बे को पानी में भिगोया सारी रात, उस पानी में हमने सुबह जीरा डाला, सौंफ डाली, हम वजन और डालकर ज्यादा डाल दिया, तो उसमें फिर हमने क्या किया, उसमें हमने वो डाला लेमन जूस, लेकिन थोड़ा डालेंगे, इसे गिर गया, लेकिन हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, तकरीबन हमने जब ये ड्राई होने लगेगा तो 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सुखा देंगे, सुखा जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको हम जो है ना अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, पीस लेंगे, और उसके बाद पीसने के बाद जो है ये जो है खाने के बाद आधा चमचा, ये जो सफूफ होगा पाउडर टाइप का, आधा चमचा आपने खाना है हर खाने के बाद, तो जितना भी आपका फैट है ये सब निकाल देता है। सही, आप कितना भी फैट खा रहे हैं, कुछ भी खा लेंगे तो ये आपको जमा, मतलब डिपॉजिट नहीं होगा किसी भी सूरत। एक दफा फिर जल्दी से रिपीट कीजिए कि हमने कोड़तुम्बे को पानी में भिगोया, एक कोड़तुम्बा लिया हमने, तकरीबन 2 गिलास पानी लिया, इसमें रात भर भिगो दे, पानी थोड़ा सा गर्म कर ले, उसमें कोड़तुम्बा डालें, उसको भिगो दे, सुबह जो उसको अच्छी तरह से हिला के निकाल लें और वो पानी छान लें। पानी छानने के बाद जैसे तकरीबन 2 गिलास पानी है तो उसमें 1 कप सौंफ, 1 कप जो है सफेद जीरा डाल दें, और अगर पेट बहुत ज्यादा खराब है या बहुत ज्यादा वेट है तो उसमें 1/2 कप जो है अजवाइन डालेंगे, अजवाइन कम डालेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे 1 से 2 दिन, इसको अच्छी तरह फैला के रखें, ठीक है। जब पानी कम हो जाए, थोड़ा पानी कम हो जाएगा तो उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है हम लेमन जूस डालेंगे, इस क्वांटिटी में 2 खाने के चम्मच, 2 बड़े खाने के चम्मच जो लेमन जूस डालेंगे और उसको अच्छी तरह रखेंगे और रोजाना हिलाना ताकि फंगस ना लगे, ठीक है। और इसको छांव में सूखा रखना है, और इसको अच्छी तरह से जब खुश्क होने लगेगा तो अखबार पे फैला दें, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसको क्रश कर लें, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, क्रश करेंगे, मोटा कुटा हुआ रहेगा, ठीक है। और इसको हर खाने के बाद खाना है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है तो रात सोते वक्त 1 चम्मच जो है गर्म पानी के साथ खाना, इसको इसी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल सही, जबरदस्त जी। अच्छा, आप भी कुछ बताने वाले थे जी, बिल्कुल, वजन में कमी के लिए कि जैसे डेली का जो फैट डिपॉजिट है वो नहीं होगा, आपका डेली का डेली वो फ्लश होता जाएगा,
इसमें हमने पानी में दालचीनी, ठीक है, बादियान खटाई और इलायची डाल के थोड़ा सा इसको पका लिया। आम घर के मसाले बादियान खटाई उसका पूरा मतलब डिपेंड करता है कितना, एक कप में आपने उसका एक हिस्सा डालना है छोटा सा, ठीक है, और तकरीबन आधे इंच का आपने दालचीनी डालनी है, ठीक है, और दो इलायची डालनी है, ठीक है, डालकर ये डाल के आपने पका लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये मेरे पास एक ब्लेंड है, इसमें ग्रीन टी है, ठीक है, सब्ज चाय, तुलसी के सूखे पत्ते और सोहांजने के पत्ते, मोरिंगा, अच्छा, ठीक है, इसको हमने इसमें डाल दिया। और मोरिंगा टी आजकल इतनी मशहूर है पूरी दुनिया में, इसको मिरेकल टी भी कहते हैं, मिरेकल टी भी कहते हैं इसमें, जिन जिन घरों में भी और फ्रेशनेस में भी मोरिंगा जो है वो बहुत है, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिंस भी बहुत बहुत ज्यादा है, बल्कि इसका एक टीस्पून पाउडर जो उनसे अगर आप इसका ले लेते हैं गर्म पानी के साथ तो आपको डेली की जो मल्टी विटामिन इनटेक है वो आपका पूरा पूरी हो जाती है। जिन घरों में सोहांजना नहीं है लगा लें, और जिनमें है उसके पत्तों को आप रोजाना चाय बना के इस्तेमाल करें। अच्छा, तो हल्की आपने डाल दी है, तुलसी है और इसमें सोहांजना है, सब्ज चाय है, उसको अब हमने थोड़ा सा जोश देना है, ठीक है। जब थोड़ा सा जोश आ जाएगा तो ये मेरे पास एक सूखा लीमू होता है इस शक्ल का, ठीक है, इसको कहते हैं लीमू बसरा, लीमू बसरा, लीमू को फ्रिज में पड़ा रहने दे तो नहीं, खुद ही बसरा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे बसरा नहीं होगा, ऐसे खराब हो जाएगा, ठीक है, इसका पास नहीं है सारी। हमने ऐसे कितने बसरे घर में रखे जिनको हम उठा के ठक कूड़े में फेंकते हैं। नहीं, इसका बाकायदा एक प्रोसीजर है जिससे इसको ड्राई किया जाता है, ये सन ड्राइड होता है, ठीक है, ठीक है, उसमें से फ्रिज ड्राइड एंड सन ड्राइड बिल्कुल फर्क है दोनों चीजों में, बिल्कुल। फ्रिज में जो रखा होगा ना उसमें हल्का सा अंदर फंगस लग जाएगा, ओके, ठीक है, जो धूप में रखा जाएगा उसमें फंगस नहीं लगेगा, तो ये फर्क, उसमें हमने ये डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो सा आपका डाइजेस्टिव एड भी है, जरूरी नहीं कि आपने फैट ही खत्म करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आपका डाइजेस्टिव एड है, किसी को स्टमक खराब हुआ है, अपसेट हुआ है, किसी को हैवीनेस हो रही है, बर्निंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, ठीक है, उन सब चीजों के लिए ये कहवा बहुत जबरदस्त है। और घर में जो आप कहवा वैसे ही पीते हैं खाने के बाद, आधे घंटे के बाद, हर खाने के बाद, दोपहर को भी, जिन्होंने वेट लॉस करना है वो दोपहर को भी और रात को भी खाने के बाद। खवातीन जिनकी हड्डियों में दर्द है या इंटरनल किसी प्रॉब्लम का शिकार है उनके लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है। रियली यही वाली चाय? जी, यही वाले, बहुत जबरदस्त। ये तो एक मिरेकल टी हो गई हमारे लिए, ये कहवा मल्टीपर्पज, बिल्कुल सही। अच्छा, आप भी जीरे का कुछ बता रही थी सर। फरा, बेसिकली जीरा जो है वो बॉडी फैट्स को तो रिड्यूस करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। जीरे को बेसिकली हम अगर एज सच पानी के साथ भी ले लें तो भी उसका बहुत फायदा, यानी जीरे को जैसे कहते हैं गोली की तरह लेके ऊपर से पानी पी लें, वैसे भी ले सकते निगल लें वैसे भी ले सकते हैं। लेकिन इसका एक और जो इसका बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट है वो ये कि आप रात ओवरनाइट 2 टेबलस्पून रखें और ओवरनाइट इसको सोक कर दें, ठीक है, और उसके बाद सुबह उसको स्ट्रेन करें और उसमें आप थोड़ा सा लेमन डाल के अगर यूज करेंगे तो वेट रिडक्शन में बहुत आपके, यानी जीरे के 2 चम्मच को पानी में रात को भिगो के रख दें और सुबह नीम गर्म पानी के साथ उसे ले लें। हाँ, नीम गर्म लेमन डाल लें आप उसके अंदर, जीरे के अंदर ऑलरेडी जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। काले जीरे की बात हो रही है, सफेद जीरे की? सफेद जीरा, सफेद जीरा आप ले सकते हैं, काला भी तो जीरा ही होता है, काला जीरा। अच्छा, हाँ, अगर हम महजल के तौर पे यूज कर रहे हैं जैसे सफूफे महजल बनाते हैं वो करते हैं तो उसके लिए हम काला जीरा यूज करते हैं, लेकिन वैसे इंडाइजेशन के लिए रिफ्लेक्स वगैरह के लिए यूज करते हैं तो फिर सफेद जीरा का फायदा है। ये हिकमत में बड़ी काली सफेद की बड़ी बड़ी मंतक होती है। डॉक्टर साहब, कहाँ तक पहुँचा हमारा जो है, इंतजार कर रहे हैं बोटॉक्स लगाने के, बोटॉक्स लगाने के लिए 5 मिनट डाल दीजिए, हम जरा अभी आ रहे हैं शॉपिंग करके थोड़ी सी और। अच्छा, चेहरे को चमका के आते हैं। अच्छा, इसमें जैसे ऐसी चीज जो कि स्किन ग्लो और फेयर, जैसे बात हो रही थी कि ग्लो चाहिए या फेयरनेस, गोरापन भी चाहिए, ये दोनों चीजों के लिए होता है। इसमें जो है हमें भिंडी के बीज चाहिए, भिंडी के बीज ड्राई मिल जाते, ठीक है, उसमें हम गुलाब डालेंगे, फ्रेश डाल लें या सूखा डाल लें, ठीक है, मेरे पास दोनों है, मैं दोनों डाल लेती हूँ। और हमने भिंडी के बीज डाले, गुलाब की पत्तियां डाली, गुलाब की पत्तियां डाली हैं, और क्या डाला इसमें? डालेंगे बादाम, ठीक है, ड्राई बादाम जो है वो डाल ली है, और थोड़ा सा संदल डालेंगे, रेड संदल, ठीक है, और डालकर इसको पहले हम पीसेंगे। सही। पीसने के बाद इसमें हम 2 चीजें और मिलाएंगे, और बल्कि 3 चीजें, क्या हम मिलाएंगे? अपना जाफरान, दूध और चांदी का वर्क, जाफरान, दूध और चांदी का वर्क, चांदी का वर्क, और इसको लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी जो है ना स्किन को फ्रेश भी करता है, ग्लो भी कर देता है, और उसके लिए कलर बहुत ब्राइट हो जाता है। अच्छा, आप आइएगा। अच्छा, मैं सामने ऑडियंस में देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो प्यारी सी यार एनक वाली लड़की कहाँ गई और शक्ल ही चेंज हो गई है ग्लासेस उतारने से। क्या नाम है आपका बेटा?
हाइका को गाउन लगाएंगे आप और उनके हेड को भी करेंगे ताकि हम इन्हें अप्लाई कर सकें अपना खूबसूरती का, ग्लो का और वाइटनिंग का. और ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं नॉर्मली डर होते हैं कि क्या बच्चियां नहीं लगा सकती हैं यंग एज में, तो ये तमाम लोग लगा सकते हैं. अच्छा, यंग एज में भी बच्चियाँ लगा सकती हैं. ये हमने मिक्सचर पाउडर बनाया, ठीक है. इसमें हम डालेंगे जरा सा जो है ना जाफरान, जाफरान बहुत थोड़ा डालेगा, ठीक है. और जाफरान तो होता भी बहुत महंगा है, वैसे ही हम थोड़ा डालेंगे, आप नहीं भी कहेंगे इतनी महंगी चीज है, हम थोड़ी सी ही डालेंगे. और इसमें हम थोड़ा सा मिल्क मिलाएंगे, ठीक है. फिर डालकर इसकी एक पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल. और इस पेस्ट को हम चेहरे पे अप्लाई करेंगे. और पेस्ट बनाने के बाद इसमें हम डालेंगे सिल्वर मतलब चांदी का वर्क, ठीक है. अच्छा, चांदी का वर्क वैसे भी अगर हम लगाएं किसी चीज के साथ मिक्स करके तो स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है, और इसको लगाते रहने से स्किन में चमक बहुत अच्छी आती है. अच्छा, और जिनके दाने हैं वो दाने खत्म हो जाते हैं, चेहरा बहुत ग्लो करता है और स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाती है. वेरी गुड. अच्छा, जैसे अभी डॉक्टर जरका ने वो बड़ा जबरदस्त सा गोल्ड मास्क लगाया, ये आपको बाहर से मिलता है, और मैं बाहर से जो चंद चीजें आप फरमाइश करके मंगवाते हैं उनमें से एक गोल्ड मास्क भी होता है ये, कि यार प्लीज लेकर आना, वो बड़ा ही जबरदस्त है. यहाँ पे मुझे नहीं पता, मैंने डॉक्टर जरका के पास अब देखा है कि इनके पास ये मुश्किल. आप अगर ऑर्डर करते हैं तो मिलता है, वैसे नहीं मिलता है. और अगर गोल्ड मास्क, ये तो खैर जाहिर सी बात है डिफरेंट इसके अंदर चीजें डली हुई है, लेकिन अगर नहीं है आप मसाज करें डिफरेंट सीरम्स का और जो गोल्ड पेपर है उसको लगा दें. गोल्ड पेपर वो क्या होता है? जैसे चांदी का वर्क है, सोने का वर्क. अच्छा, ठीक है. और जब 15 मिनट के बाद उसको हल्का हल्का मसाज करेंगे तो जितना भी गोल्ड होगा वो प्योर गोल्ड जो होता है वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है, ठीक है. और आपकी स्किन पे वही रिजल्ट आपको मिलेगा, ग्लो मिलता है. अच्छा, ये बताइएगा जैसे उसमें उन्होंने डॉक्टर जरका बता ली थी हाइलुरोनिक एसिड भी डाला है, एक तो अर्के गुलाब है बेस, उसमें उन्होंने तो नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड कुछ ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल अलसी है. अलसी, हाँ बिल्कुल. और भिंडी है, अलसी है और ग्लिस्ट्रीन है. अभी हम बनाएंगे स्किन लिफ्टिंग के लिए, अगर आप इसका एक सीरम बना लेते हो तो बड़ा जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलता है. ओके, सो आप इस तरह का सीरम बना के वो भी अगर अप्लाई करेंगे ठंडा रख के फ्रिज में तो आपको ऑलमोस्ट जाहिर है वो रिजल्ट तो नहीं मिल सकते जो गोल्ड मास्क है, मगर आपको उसके नजदीक रिजल्ट है वो सस्ते में आराम से घर में मिल जाएंगे. आराम से मिल जाएंगे अगर आप करते रहेंगे तो काफी फर्क पड़ेगा आपको. बिल्कुल. अच्छा, इसका तरीका क्या है कि इसको आपने पहले फेस वॉश किया है, इनकी तो स्किन माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन अगर कोई मसला है तो फिर इसको फेस वॉश करने के बाद रात को लगा लेंगे, ठीक है. और रात को लगा के हल्का सा मसाज करके मॉर्निंग में वॉश करें. बिल्कुल सही, क्योंकि डॉक्टर जरका जिन प्रोडक्ट्स का जिक्र करिए वो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं और ये वो ऑथेंटिक मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि बड़ी रिसर्च के बाद मार्केट में लाई गई हैं और अवेलेबल हैं, है ना? जी जी बिल्कुल. आप अप्लाई कीजिए उम्मे राहिल, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ अभी रिजल्ट देखने. आजकल मेरा एक बड़ा फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स हम यूज करते हैं, जिस दिन मैंने चिल करना होता है उस दिन मैं लगा कर मैं तो इतनी उसके एंजॉय करती हूँ. आपका कौन सा फेवरेट है आजकल? मेरा आजकल अब रिपावर एक्सपेन की प्रोडक्ट है, ठीक है, रेंज है. सो दे हैव दिस वेरी नाइस, दे हैव अ वेरी नाइस ल्यूमिनस उनका वो है सीरम, ठीक है. वो आप खोलें और वो आप मुंह पे लगाएं और उससे ग्लो आती है. वो नेक्स्ट टाइम हम आपके इनके ऊपर दिखाएंगे. और फिर उनकी एक वाइटनिंग जेल भी है और रीजनेबली प्राइस्ड भी है. सो दैट इज वेरी, पाकिस्तान में दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. अच्छा जी, अब बोटॉक्स जो है, बोटॉक्स इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. ये है एलर्गन, एलर्गन का बोटॉक्स है और इसको हमने इसके बीच में फिल किया है, ठीक है. और अभी हम इनको लगाएंगे और इनको कोई शी विल नॉट फील एनीथिंग. और इसमें कितना टाइम लगेगा इस प्रोसीजर में? टू मिनट्स. सही, क्योंकि वो ब्रेक के लिए कह रहे हैं तो मैंने कहा टाइम का अंदाजा हो जाए कि कितने टाइम तक. अब आप मेरी तरफ देखिएगा, थोड़ी सी मुझे जगह दीजिएगा. अब इनकी जो जेल थी वो काफी हद तक एब्जॉर्ब हो गई है, बट द जेल बड़ी जबरदस्त जेल है एमला, तो वो हमने लगाई है और उसके बाद अब इनको फील नहीं होगा. बेटा आपने यूं करना है, गुस्सा ऊपर कीजिए जरा, ऐसे करके. किस किस को गुस्सा आता है ऐसे वाला? किसी को भी नहीं आता. मुझे इतना ज्यादा आता है कि फिर मुझे जब ये रियलाइज होता है ना कि यार ये निशान पड़ जाएगा तो फिर मैं यूं करके होती हूँ कि गुस्सा नहीं करना. उनसे पूछा है कि कुछ फील हुआ? कुछ भी नहीं फील हुआ, कोई पेन? गुड, अच्छी बात. ये कमाल है अच्छे प्रोडक्ट्स का. हाँ, और अच्छे हाथ का. थैंक यू. प्रोडक्ट्स के साथ द स्किल पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो बार बार मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हर बंदे के हाथ में बोटॉक्स है वो काम नहीं करेगा, वो आपको गलत भी रिजल्ट दे देगा. इंजेक्शन का क्या है, कोई भी उठा के कहे मैं लगा देता हूँ. हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे कि 2 मिनट का प्रोसीजर है तो बड़ा आज देख भी लिया. हाँ. तो ये लगाना कौन सा मुश्किल है, तो हम भी लगा दें. अब इनको तीनों इंजेक्शन लग गए हैं और आपको आयशा कुछ फील हुआ? नहीं फील हुआ. अच्छा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा इनके? रिजल्ट अब इनका ये आएगा कि ये क्योंकि इनकी आप देखिए आईलिड्स थोड़ी पफी हैं, ठीक है, और ये नीचे झुकी हुई है. तो अब ऊपर उठाइए आईब्रोज ऊपर उठाइए यू ऊपर. हाँ, तो ये इनका उठ जाएगा.
ओके गुड, और आंखें खुल जाएंगी और इनकी जो पफी इफेक्ट है ये खत्म हो जाएगा. बिल्कुल सही. और जब आप यूं करती हैं, यूं करें, उसा करें, यूं, हाँ, ये वाली चीज भी इनकी नहीं होगी. नहीं होगी. गुड. सो शी विल लुक वेरी रिलैक्स्ड एंड प्रिटी ऑल द टाइम. ऑल द टाइम. ठीक है. गुड. अच्छा, ये वो प्रोसीजर है जो बंटी मुझसे कह रहा था. मुझे कुछ दिन पहले मेरा मेकअप आर्टिस्ट कह रहा था, आप ना अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा यूं करवा ले. मैंने कहा क्यों? तो उससे ना आंखें जरा बड़ी लगती हैं. मैंने कहा चलो जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे. अच्छा, हमने अप्लाई कर दिया इनके फेस के ऊपर. और इनकी कितनी देर चेहरे के ऊपर ये लगा रहे? उतरवा दीजिए. तो हम ये ब्रेक के लिए जाएंगे. ब्रेक से जब वापस आएंगे हम इनका फेस भी साफ करेंगे, इनके फेस को भी देखेंगे और अपने दोनों जो गोल्ड मास्क लगे हुए फेसेस हैं उनके रिजल्ट्स भी आपके सामने दिखा सकेंगे. खुश आमदी जनाब. आज जो कुछ हम आपको बता रहे हैं ये सब वो ऑथेंटिक रिसर्च चीजें हैं जो कि हमारे हर्बलिस्ट, जो कि पाकिस्तान के मायनाज हर्बलिस्ट हैं, पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जरका, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट सारा और हमारी एक्सरसाइज एक्सपर्ट इरम, हम अब सब अपने टोटके नुस्खे तरीके रिसर्च आपके साथ शेयर करें. एचसीजी डाइट क्या चीज है? हम सेलिब्रिटीज की पिक्चर देखते हैं, कोई एक महीना पहले वो ऐसे होते हैं और फिर ऐसे और फिर एक महीने बाद वो सब ऐसे हुए होते हैं, कैसे? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है जो हमारी बॉडी बनाती है और खासतौर पर प्रेगनेंसी में बनाती है बहुत ज्यादा. ठीक है. और वो आपको वेट लॉस कराती है. लेकिन HCG डाइट आप जब करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नॉट रेकमेंड HCG जिस तरह से उन डाइट्स में होता है, बिकॉज उनमें यू टेक HCG आइदर एवरी डे और एवरी अदर डे. ठीक है. और उसके साथ आपको 500 कैलोरी की डाइट लेनी होती है, विच इज प्रिटी डिफिकल्ट. ठीक है. मुंह बंद करना बहुत मुश्किल काम है. सो 500 कैलोरी की आप डाइट लें, साथ आप HCG और आप उसके साथ देर अदर एडिटिव्स जो दिए जाते हैं, B12 एंड अदर मिरेकल विटामिन्स जिनसे कि आपका वेट लॉस होता है. बस इसमें ये बात याद रखने की मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सडन वेट लॉस करते हैं तो फिर वो सडनली गेन भी हो सकता है. ठीक है. सो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए तो जो चीजें सही हैं वो आम लोगों के लिए हर वक्त मतलब सही नहीं हो सकती. लड़की ने प्रेगनेंसी में जाना है, फैमिली वेज में जाना है, क्या उसे इस तरह के अग्रेसिव चीजें? HCG की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप ज्यादा डोज लें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आपको डायबिटीज, इट इज अ प्री डायबिटिक हार्मोन. सो जो लोग HCG डाइट्स पे जाते हैं तो उनको फिर दे हैव अ हायर चांस. और आजकल हमारी खुराक जो है वो वापस मुर्गी पे आती है, अनफॉर्चुनेटली मुर्गी और इवन दूध जो ऐसी गाय का लगा लगा जिसको टीके आपके ऑक्सीटोसिन के लगाए, टीके लगाते हैं, सबको टीके लगते हैं, ये तो मुस्तनद बात है क्योंकि वरना गाय को प्यार करना पड़ता है. प्यार का टाइम किसके पास है? उनके पास सिर्फ टीके लगाने का टाइम है. तो सही कह रही है. ट्रू. और वो बेचारा जो जो उसका बच्चा होता है उसको खींच के दूध भी पूरा नहीं पीने देते कि वो अच्छी तरह से अपने उसका दूध उतर आए और वो दूध दे के लोगों के लिए भी. सो ये तो इसलिए ये HCG फिर क्योंकि हमारी खुराक ऑलरेडी हमें प्री डायबिटिक बना रही है तो जब आप इस किस्म की डाइट्स करेंगे तो आपका बहुत अर्ली एज में डायबिटीज होने का चांस खतरा हो जाता है. अच्छा जी, आप बता रही थी कि कुछ ऐसे तरीके हैं कि घर में काम करते हुए वो वर्कआउट जिनके साथ आप साथ साथ वजन कम करेंगे, वो कौन से हैं? देखो हम सब घर पे मतलब घर का काम सभी करते हैं, झाड़ू पोछा सब करते हैं. ठीक है. डस्टिंग वगैरह, नॉर्मली डस्टिंग करना सबको बहुत मुश्किल लगता है और झाड़ू लगाना भी, लेकिन हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है. हम अपना वेट रिड्यूस, अब जैसे इन्होंने बताया कि डाइट मस्ट है और साथ में एक्सरसाइजेस भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, बॉडी टोन अप के लिए. ठीक है. अब हम जैसे झाड़ू लगाते हैं, सपोज अब हम ये झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ लोग झाड़ू बहुत यू बैठ कर और बहुत आगे होकर लगाती है, इससे हमारी बैक पे बहुत बुरा प्रेशर आता है, हमारी स्पाइन जो है इंजरी होने का खतरा होता है उसमें. ठीक है. जब आप यू लगा रहे हो तो आप ये देखो, ये लगाओगे आपकी इसमें फुल बॉडी की मूवमेंट हो रही है. देखो अब ये वॉक करते हुए आपके बैक स्ट्रेट, स्क्वाट्स भी हो रही है, इसमें आपके आर्म्स की मूवमेंट भी है. देखो वेरी गुड. ठीक है. और जब हम डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग करते हुए हमारी आर्म्स की मूवमेंट होती है जो कि हमारे शोल्डर अपर बॉडी के लिए हमारी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. लाइक आप जब डस्टिंग करते हैं हमारी आर्म्स की मूवमेंट ये हो जाती है. ठीक है. ठीक है. अब जैसे आप ये डस्टिंग कर रहे हो यहाँ पर, अब कुछ लोग ऐसे यूं झुक कर ये डस्टिंग कर रहे होते हैं, ऐसे हमें नहीं करना. हमें हर वक्त अपना पोस्चर सीधा रखना चाहिए जिससे हमारी स्पाइन भी बहुत ठीक रहती है. और हमें एब्स को स्क्वीज करना चाहिए हर टाइम, उठते बैठते जब आपके एब्स स्क्वीज होंगे मतलब पेट को सुकेड़ के अंदर exactly, हमें पेट को यूं स्क्वीज खींच कर रखना है. लेकिन आपने कितना प्रेशर दे के डस्टिंग करनी, कुछ लोग तो बहुत जोर से करते हैं, लाइक उसमें भी आपकी ये शोल्डर्स पे भी प्रेशर आता है बहुत जोर से. नहीं, बेसिकली हमने अपने आर्म्स की मूवमेंट यूं दे ली,
देखो अब हम ये डस्टिंग करें, बैक स्ट्रेट, एब्स स्क्वीज, ये ठीक है, ठीक है। अब हमने बहुत जोर लगा के ऐसे ऐसे नहीं करना, बैक स्ट्रेट, एब्स स्क्वीज में बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप इस चीज को अपने माइंड में रखें कि आपने साथ अपना वर्कआउट भी करना है और साथ में घर के काम भी करने। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी है कि मूपिंग जो हम करते हैं वो सबसे बेस्ट है, कि लाइक आप बैठ के जो उसमें टांगों को जिन्होंने पतला करना है अपने, तो वो पोछा लगाए, लोशन लगाना ना, वो बैठ के सही तरह से लगा सकते हैं कि उसमें एक्सरसाइज पॉस्चर भी हमारा मेंटेन हो जाए, काम भी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रही, जब आप ये टोशन लगा रहे हैं, अब वही बात है कि बहुत सी लेडीज यूं झुक कर यूं लगाती हैं, हमें यूं नहीं, हाँ नीज को आगे नहीं लेकर आना, जब हम टोशन एग्जैक्टली पीछे जाते हैं, अब हमारी ये पोजीशन, इसमें भी हमारे एब्स स्क्वीज हैं और हमने ज्यादा, ये देखिए ये पोजीशन हो गया, मतलब फुल हमारी नीज पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। और देखिए आपने जो अपना एंगल रखा हुआ था वो ऐसे था, बिल्कुल बिल्कुल, दैट मींस के आपके ये जो पूरा एक्सरसाइज का ये वाला जो पूरा है वो वर्कआउट हो रहा होता है। एग्जैक्टली, हमारी इसमें फुल बॉडी यूज हो रही होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत जान छुड़ाते हैं घर के कामों से, लेकिन ये कि ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, अगर कुछ खास एक्सरसाइज एब्स के लिए कोई आसान चीज हो सकती है? बिल्कुल, एब्स के लिए बल्कि बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको बताती हूँ। कि पेट जिन लोगों का बढ़ गया हो या बढ़ रहा हो तो वो फिर कैसे उसे वर्कआउट? आप जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अपने एब्स को स्क्वीज, हर टाइम एब्स को स्क्वीज ही रखना है। देखिए, अब हम लेट कर भी सिंपल क्रंचेस जब हम करते हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन जब हम लेग्स को रेज कर लेते हैं ये ज्यादा इफेक्टिव है, कि आप कम टाइम पे जल्दी एक्सरसाइजेस कर सकते हो और ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है, देखोगे आपकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, एब्स स्क्वीज, नीज आपकी बेंड नहीं होनी चाहिए, आर्म स्ट्रेट। ये बस इरम ही कर सकती है? नहीं, आप सब भी नहीं, एक्चुअली ये सब माइंड की बात है कि हम नहीं कर सकते, जब आप करोगे तो आपसे होगा। ठीक है, ठीक है ना, और अपना एंगल आपने लाजमी परफेक्ट रखना। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, इनका फेस भी धुलाएं जल्दी से, ये फेस हमने ग्लोइंग एंड व्हाइटनिंग अप्लाई किया, जल्दी से फेस आप वॉश करके आएंगी और इनके फेस के ऊपर से आप ये हल्का सा तिलक हटाएंगे, ताकि हम इस तिलक को हटा के देखें, जो एक्टिव पिंपल था जिसके ऊपर डॉक्टर फैसल ने अपना एक नुस्खा आजमाया है, उससे कितना उस पिंपल पे फर्क पड़ा। और आपको एक चीज भी मैं बता दूं, बहुत अच्छा है मास्क है आपका। अभी हाइलुरोनिक एसिड की बात हो रही थी, तो ये सारे जो उनसे फ्रूट्स मैंने रखे हुए हैं ये सब एनरिच्ड है इस चीज के लिए। ये है शकरकंदी, ठीक है, स्वीट पोटैटो, इसमें ये बहुत ज्यादा होता है, बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा होता है, जो विटामिन ए बन जाता है। आजकल शकरकंदी का मौसम है, उबाल के खाएं। अच्छा, जब आप उबालें तो ये आपका पानी भी निकल आएगा, शकरकंदी का। शकरकंदी जिस पानी में आप उबालेंगे, ठीक है, तो ये आपका पानी बच गया, उसको फेंकने के बजाय इसको बॉटल में रख लीजिए। अच्छा। ये आपका बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन आपका स्किन टॉनिक। सिर्फ ऐसे ही सिर्फ करके इसमें आपने कुछ और नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ ये आपने ये फुल ऑफ बीटा कैरोटीन, वो पानी इसमें मिनरल्स, तो सारे मिनरल्स, सारी चीजें आपके इसमें आ गई, और ये पानी जो उनसे आप अपने फेस पे लगाते रहे तो ये बेहतरीन फेस टोनर बने। अच्छा जी, ये है वो पिंपल जो कि एक्टिव था और अब हमने अप्लाई करके रखा है, तो उसके थोड़ी सी जो उसकी रेडनेस और उसका जो ब्लैक सा ऊपर था, थोड़ा सा उसका टेक्सचर, वो उसका जो उनसे विजिबिलिटी है वो चेंज हुई है। आपके कहने का मतलब है कि हम इसको डॉट्स पे लगा लें, और जहाँ जहाँ पे अब जैसे ये रेड हो गया, पहले वो बिल्कुल अजीब काला सा था, अभी रेड हो गया, अभी इंशाल्लाह 2-3 घंटों में ये बिल्कुल बैठ जाएगा। बिल्कुल सही, अभी हम थोड़ी देर बाद दोबारा आपसे फीडबैक लेंगे और दोबारा आपका रिजल्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये हमने शकरकंदी उबाली, शकरकंदी उबाल ली, इसमें हमने पपीता डाल लिया। इन दो चीजों में हम थोड़ा सा डालेंगे, ये है लीमू का पाउडर, लीमू का पाउडर, ठीक है, सत लीमू जिसे कहते हैं, सत लीमू कह लीजिए या लेमन पाउडर के हिसाब से भी आजकल मिल जाता है, ठीक है। यह आपने तकरीबन चुटकी भर डालना है, ठीक है, और इसमें आपने सिर्फ ये शहद डाल दें, शहद, अच्छा शहद, कोई भी जो भी अच्छा शहद आपके पास है वो डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको आपने 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। सारी चीजें जब यकजान हो जाएंगी तो ये थोड़ा सा अपना एक लिक्विड सा छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको पूरे फेस पे लगा के छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह पहली एप्लीकेशन में जो डबल टोन होती है, पैचेस होते हैं, वो इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, उससे रिजल्ट जो है, रिजल्ट जो उनसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर वही बात है कि डॉक्टर साहिबा की तो क्विक चीज़ें हैं, 10-10 मिनट की, हमारी ये चीजें अगर आप रेगुलर यूज करते रहे तो आपको रिजल्ट बहरहाल बहुत अच्छे मिल जाते हैं और लॉन्ग टर्म मिल जाते हैं। अरे, बालों के लिए आप कुछ बनाने वाले थे? बालों के लिए आपको एक अच्छा सा हेयर पैक बता देता हूँ, ठीक है। उसमें हमने ये करना है कि चुकंदर लेना है, चुकंदर बालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है। इसके हमने
चुकंदर लिया, इसके पत्ते भी ले लीजिएगा और ये थोड़ी सी हमने मेथी डाली। तो चुकंदर के पत्तों समेत एक चुकंदर और थोड़ी सी मेथी, और थोड़ी सी मेथी, ठीक है। इसको अब हमने पकाने रख देना है, जब ये पक जाएगा तो उसके बाद हम इसको ब्लेंडर में डाल के एक इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। उसमें एक अंडा डालिए और ये आप अपना हेयर पैक बना लीजिए। बालों की जड़ों में लगाएं? बालों की जड़ों में लगाएं, पूरे लेंथ में लगाएं, तो इंशाल्लाह इससे आपकी ग्रोथ भी होगी बालों की, क्योंकि जो ये है मेथी ये इरिटेंट है, आपके पोर्स ओपन करता है, ठीक है। चुकंदर जो है वो बालों की लेंथ के लिए बहुत अच्छा, ठीक है। और जिंक है, जिंक है बिल्कुल, उसमें बहुत ज्यादा होता है जो कि आपके बालों की ग्रोथ में इफेक्टिव है, और जहाँ पे आपके बाल नहीं भी निकल रहे होते वहाँ पे भी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। हाँ बिल्कुल हो जाती है। उसके लिए एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप प्याज का अरक निकालिए और उसमें ये जो सी मेथी है उसको कुचल लीजिए, ठीक है। वो अरक अगर आप लगाना शुरू कर दें, जैसे बात हुई थी ये जो सा हमारा एरिया बढ़ जाता है, अगर तो वो फॉलिकल्स डेड नहीं है तो बाल रीग्रो हो जाते हैं, अगर वो डेड हो चुके हैं तो फिर उसका मैं ख्याल है किसी भी तरीके में कोई इलाज नहीं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आप भी कुछ क्या एक और चीज के चुकंदर के बेनिफिट्स में ये भी आता है कि लाइक वो जो व्हाइट बाल वो लोगों के आना शुरू हो जाते हैं वो भी कम हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, चुकंदर खाने से भी है, जिस तरह ये अप्लाई भी करेंगे उससे भी, खाने का ऑब्वियसली इनटेक करेंगे तो वो अंदर जाएगा, वो डेफिनेटली ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये अप्लाई करेंगे इससे भी ये जो ब्लैक बाल व्हाइट बाल सॉरी से वो कंट्रोल हो जाते हैं। अरे ये देखिए हमारे ये गोल्ड मास्क वाले लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, लग रहा है कोई बहुत डमीज रखी हुई है। जबरदस्त, और मुझे यकीन अभी तक रिजल्ट आया तो नहीं होगा पूरी तरह, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा और इनको छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या हम देख सकते हैं डॉक्टर का? बिल्कुल जी बिल्कुल, कि क्या रिजल्ट आया है इनके फेस के ऊपर, है ना। इसका कितना देखने में बड़ी चमकती हुई सी, देखिए इनका फेस कितना नीट ग्लोइंग और फ्रेश स्मूथ हो गया है। और स्मूथ आउट हो गया जो इनके बहुत ज्यादा डिब्री था, डेड सेल्स थे इनकी स्किन पे, हालांकि हमने स्क्रबिंग नहीं की वो साफ करने की वजह से, वो उनकी काजल फैला हुआ है आंख में, वो क्या शेर है परवीन शाकिर का, आंख में फैलता गया काजल उसके, क्या था मतलब, वो वक्त रुखसत वो खामोश रहा लेकिन आंख में फैलता गया काजल उसके, गलत पढ़ रही हूँ लेकिन कुछ इसी तरह से है एक शेर भाई। तो इनके पोर्स भी अब आप देखें कि जिस तरह पहले प्रोमिनेंट थे अलग अलग, अब वो बैठ गए हैं, ऊपर से डेड स्किन इनकी उतर गई है क्योंकि हमने पहले पील किया था, उसके बाद हमने इनको जो कामिंग मास्क लगाया उससे इनकी स्किन हाइड्रेट भी हो गई है। अच्छा, और ये बड़ा डिफिकल्ट केस था बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ रेडनेस, और जब हमने इनको पील किया तो शी गॉट इट बिकेम अ लिटिल मोर रेड। तो अब आप देखिए कि ये इनकी रेडनेस जो माथे पे यहाँ पर सब जगह बहुत ज्यादा बहुत कम हो गई, इस तरह चेहरा कीजिए बहुत बेहतर हो गई है। हमने इनको दरमियान में एक मैंने रेडनेस को काम करने के लिए इनको एक क्रीम भी लगाई थी, ठीक है, उससे भी ये बेहतर हुआ है। और आपको कैसा महसूस हो रहा है? बेहतर महसूस, क्योंकि इसका फीलिंग ही बड़ी रिफ्रेशिंग है इस मास्क की, लेकिन ये कि रिजल्ट भी अच्छा है, थैंक यू सो मच। और अब आप जरा घूरी निकाल के दिखाओ हमें, तेवरी चढ़ाओ, घूरी निकालो, यू ऐसे नहीं, मतलब फरा को देखिए कितना जबरदस्त किसी को करो कह रहे, अरे वाह, हां लगाओ, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात की, अशफाक। तो हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद, हम कह रहे हैं चेहरे पे निखार तो सजेगा सोलह सिंगार, और आज हमारी हर्बलिस्ट हमारी डॉक्टर जरका, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट इरम, और उसके साथ साथ सारा न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ सारा को पता है कि मेरा नाम फंस के निकलता है इनके मुंह से, तो मैं साथ साथ बताती हूँ। हम आपको गाइड कर रहे हैं क्या करना है। आप बेटे आओ, आपके चेहरे पे हम एक ग्लोइंग जो हमने एक मास्क बनाया है डॉक्टर फैसल, ये अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। वैसे इतनी प्यारी बच्ची है ये वैसे ही, लेकिन ये और भी ज्यादा क्या हमें ग्लो इसके चेहरे पर मिलने वाला है? जी इंशाल्लाह। चल बैठे आप, आके अप्लाई करना इनके फेस पे और देखो ये कैसा लग रहा है इनका चेहरा। हमने अभी ब्रेक में इनको वॉश करवा के लेकर आए, और सिर्फ आपने मुंह धोया ना, और तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, और हमने कितना सिंपल सी एक चीज इन पे अप्लाई की थी, क्या थी? मेरा गुलाब की पत्तियां थी, संदल पाउडर था, ठीक है, और ये था अपना जाफरान,
दूध भिंडी के बीच, भिंडी के बीच और चांदी का वर्क, और चांदी का वर्क, इन सारी चीजों को ब्लेंड करके हमने लगा दिया था इन पे, और इसको जब ड्राई हो गया तो हमने उसको हल्का सा रब करते हुए इनसे कहा ये वॉश कर ले अपने फेस का, रिजल्ट आपके सामने। और अगर रोजाना जैसे ये या कोई भी लगाता है अगर रोजाना 5 से 6 दिन में, इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, लोग कुछ कहेंगे क्या किया, ये गोरापन कहाँ से आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो ये निखार, अब आप हमें क्या बताने जा रही हैं? अच्छा पहले तो बात गर्दन की हमने करनी थी या ब्लैक जो डार्क पार्ट्स होते हैं उसकी करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बालों के लिए। हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं कि बाल लंबे करने, बाल चर हो गया है, मांग चौड़ी हो गई है, या हेयर लाइन जो पीछे जा रही है। हाँ। अब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा नुस्खा है, थोड़ा डिफरेंट है, और इसको एक दफ़ा बना के रख लेते हैं, अगर आप करते रहेंगे तो जो दोबारा जो हेयर डेड हो गए या जगह खाली हो गई है वहाँ पे बाल दोबारा निकलना शुरू हो जाए। वेरी गुड, ये तो बड़ा जबरदस्त है। बच्चे बच्चियाँ हिजाब पहनते हैं बाज़ूकार, उसके अलावा वो भी जो एज के साथ भी बाल गिर गए, जैसे हमें PRP करवाना है, मीजो करवाना है, ये तमाम चीज़ें बड़ी इफेक्टिव होती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल, तो उनके लिए बड़ा जबरदस्त सा नुस्खा है। इसमें हमें मुलैठी चाहिए, मुलैठी का सफूफ लिया। हाँ अच्छा, मुलैठी का सफूफ अभी तो मैं मिक्स करके दिखा रही हूँ, इसको एक खास तरीका होता है वो मैं बता देती हूँ। मुलैठी के साथ हमने डाला अदरक का रस, अदरक का रस, ठीक है ठीक है। इसमें जरा सी चुटकी डालेंगे जाफरान, ठीक है, मिलेठी का सफूफ, अदरक का रस, जाफरान, और इसमें अभी साबुत डाल रहे हैं, लेकिन हम इसमें डालेंगे लीमू के बीज, लीमू के बीज, और इसके बाद के बिल्कुल बारीक करके डालेंगे, और इसमें जो एक चीज हम ऐड करेंगे वो करेंगे फ्रेश मिल्क, ठीक है। अच्छा ये तमाम चीजें जो हमने मिक्स की हैं, हाँ? अच्छा ये तो अभी आपको लग रहा है पेस्ट बन गया, लेकिन इसकी खास बात ये कि जैसे इसको आपने जो हमारा जो पेस्टल होता है उसके अंदर डाल के हमने इसको जो मोटर होता है उसके अंदर पीसना है, घिसना है। अच्छा, मतलब हवन दस्ता ले लें या जो आपका मोटर पेस्टल होता है उसमें ले लें, या किसी भी चीज के ऊपर आपने घिसना है इसको, सिर्फ ऐसे पेस्ट नहीं बनाना है। जब आप इसको घिसना शुरू करेंगे तो ये लेसदार हो जाएगा। अच्छा, उसको जैसे चटनी बन जाती है, उसका लेस आना जरूरी है, और जब वो लेसदार हो जाएगा तो जहां से भी बाल कम है या गंजपन आ गया है या बाल चर हो गया है, या बाल पीछे चले गए, वहां पे आप एक टिश्यू से रगड़ा उस जगह को, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लिया, उसके बाद इसको लगा के हल्का सा मसाज करेंगे, रात के बाद लगा लें, ठीक है, और कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगा चाहे वो मेल है फीमेल, वहां पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं बारीक बारीक। किसी किसी को हो सकता है जरा बस इचिंग फील हो, लेकिन इसमें जो जाफरान, मुलैठी, लीमू का रस, सॉरी लीमू के बीज, इनका जो मिक्सचर बनता है अदरक के रस के साथ, ये जो डेड जगह होती है उसको लाइव कर देता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, उससे बाल दोबारा निकलना शुरू हो जाता है। गुड, और क्या बताने वाली हैं आप? इसके अलावा जो है ये जबरदस्त, ये क्या चीज रखी हुई है आपने? ये अपना मुल्तानी, मुल्तानी मिट्टी, हाँ ये। इसको क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या, तो खैर मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन हाँ। अगर पोर्स आपके ओपन हो रहे हैं, चेहरे के मसाम खुले हुए हैं, हाँ। तो मुल्तानी मिट्टी को हमने टमाटर के रस में भिगोना है। अच्छा, टमाटर का रस यानी टमाटर को ऐसे निकाल लिया, ठीक है, आपने निचोड़ के उसका रस निकाला, गूदा निकाल लें इसको, गूदा अलग करके सिर्फ रस चाहिए। अच्छा ठीक है, उसमें हमने मुल्तानी मिट्टी को भिगोया, ठीक है, जब वो बिल्कुल अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा तो उसको आपने लगाना है, जब वो सूख जाए तो उसको वॉश कर लें, ठीक है, पोर्स को वो मिनिमाइज करता है। अच्छा, और ये जिनकी स्किन ड्राई है वो भी अप्लाई करें? ऐसी बात है, आप मुल्तानी और ड्राई करेगी तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो ना लगाए इसलिए कि जो ड्राई होती है उसके नहीं है, ठीक है, ऑयली स्किन के ज्यादा पोर्स ओपन होते हैं, ठीक है, तो अगर पोर्स ओपन है, मसाम बहुत खुले हुए हैं, गड़े से लग रहे हैं, तो ये लगाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। डन। अच्छा, और क्या बताने जा रही है आप हमें? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है गर्दन काली हो जाती है, हाथ पैरों के या नकल्स काले हैं, कोहनियां काली हैं, खासकर गर्दन का बड़ा मसला होता है, ठीक है, उसमें हमें लस्सी चाहिए, लस्सी, खट्टी लस्सी होना जरूरी है। हाँ, ये यानी खालिस दूध वाली लस्सी? हाँ बिल्कुल, जो लस्सी बनाते हैं दही के साथ जो बनाते हैं, जो खट्टी वाला, क्या कहते हैं इसका एक नाम है, किसको पता है, बोलो ऊंचे बोले, चाटी की लस्सी, चाटी लस्सी। अच्छा, इसमें जो है आपको जितनी खट्टी होगी, जैसे रखी हुई है खटास पैदा होती चली जाती है, वो उतनी अच्छी होगी। उसमें तो ये रख लें 2-3 दिन, हाँ, की बिल्कुल, वो पानी छोड़ देते, लेकिन वो बहुत ही इफेक्टिव है। अच्छा, और वो इस जो मैं बना रही हूँ गर्दन काली है या अपने डार्क पार्ट्स के लिए, उसके अलावा भी जो खट्टी लस्सी होती है उससे अगर फेस वॉश करना शुरू करते हैं तो तो झाइयां खत्म हो जाती हैं। वाह यार, चाटी की लस्सी, पुराने जमाने में लोग गांव में इसे सर धोया करते थे, बहुत अच्छा आया करते, बहुत अच्छी, बहुत आया करते थे, बिल्कुल ऐसे ही, और ये बड़ा अच्छा आपकी बॉडी को साफ करता है, होता है, तो वो जो अभी एसिड्स की बात हो रही थी, तो सारे नेचुरल एसिड्स हैं, ग्रेजुअली जब आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो आपकी स्किन स्लाइटली पील होती रहती है और आपकी स्किन फ्रेश भी होती है, फ्रेश भी होती है, और मैंने ये भी सुना है केलोपेट्रा भी नहाया करती थी। अच्छा, लस्सी में हमने डाला सिरका,
लस्सी में सिरका, ऑर्गेनिक सिरका, ऑर्गेनिक सिरका है, ठीक है। इसमें जरा सी हम डालेंगे मुलेठी तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे कॉफी, कॉफी वाह 1 टीस्पून, ठीक है। ये जो आपका मिक्सचर बना है इसको आपने लगाना है, मसाज करना है, थोड़ी देर छोड़ देना है, उसके बाद जब वो ड्राई हो जाएगा तो अगेन आपने मसाज करके उसको वॉश कर लेना है। सिर्फ 2 वॉशेस के साथ जो ना आपके जो स्याही है वो खत्म हो जाती है, भले वो हाथों पे हो, कहीं पे भी, खासकर गर्दन पे जो लाइंस आ जाती है बहुत बुरी लगती है, आप कितना छुपाएंगे बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर बैक जो एरिया है उसके लिए बड़ी इफेक्टिव होती है। और इसके साथ शर्त ये, जब आप वॉश करेंगे तो जाहिर सी बात है नेचुरल पील है, आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होगी, ठीक है। आपने फौरी तौर पर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना, ठीक है, कोई सीरम लगा लें, कोई मॉइस्चराइजर लगा लें, और कुछ भी नहीं है तो बलाई जो होती है दूध की जो फ्रेश क्रीम होती है वो लगा लें, ठीक है, उसको ड्राई ना छोड़े, इसलिए ड्राई छोड़ेगी तो मजीद काला हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो हमने ये एप्लीकेशन करनी है और इसके साथ स्किन जो है उसकी डार्किंग बहुत जल्दी जिनकी सही नहीं हो रही थी, हार्मोन्स की वजह से भी ब्लैक हो जाता है, तो अपने इलाज के साथ साथ इसको आप करना शुरू कर दे। अच्छा, फिर जैसे ये तो नेक और हाथ पांव के लिए हो गया, लेकिन कुछ लोगों का चेहरा यहाँ से और ये वाला एरिया जो है डार्क हुआ होता है, तो सिर्फ यहाँ उस पर भी आप लगा सकते हैं, इसलिए कि इसमें जो आपने मुलेठी डाली है वो भी व्हाइटनिंग एजेंट है, कॉफी वैसे भी स्क्रबिंग करता है और उसको आपके स्किन को फ्रेश करता है, ठीक है। और लस्सी के अंदर लैक्टिक एसिड है, और लेकिन अगर फेस पे लगा रहे तो थोड़ा सा शहद मिला दें, शहद मिला दें, ठीक, तो वो एक मॉइस्ट इफेक्ट भी, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देगा और वो जो स्याही है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो इंटरनल इशू है उसको सही करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर साहब का पीआरपी का जिक्र किया इन्होंने, जी बड़ा फेमस प्रोसीजर है ये भी आजकल, और अगेन सेलिब्रिटीज लोग जो मीडिया में बहुत ज्यादा करवाते हैं, कितना इफेक्टिव है? बालों के लिए तो जबरदस्त है। उसे बालों में क्या तब्दीली बाल आती है? जो गिरने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स वीक होते हैं, उसको वो स्टिम्युलेट करता है, इट गिव्स ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। और प्रोसीजर क्या है बेसिकली, क्या करते हैं? प्रोसीजर बेसिकली ये है कि आपका ब्लड लेके, जिसका भी हो उसका ब्लड लेके, ठीक है, और उसको आप सेंट्रीफ्यूज में, उसको आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें फिर वो जो खून के जो खलिये होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो पानी होता है ऊपर, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, और फिर प्लाज्मा और खलियों के दरमियान एक लेयर होता है, वो प्लेटलेट का होता है, बड़ा थोड़ा सा लेयर होता है, ठीक है, तो वो वाला जो लेयर है उसको आप आइसोलेट करते हैं और उसको फिर आप अंदर इंजेक्ट करते हैं। पेनफुल है? नहीं, उसके लिए ये है कि नम कर लेते हैं आप, ठीक है, ठीक है, तो वो उसमें आपका नर्व ब्लॉक होता है वो आप कर लेते हैं, कोई नम, बहुत से लोग तो देखिए हर आदमी की अपनी पेन परसेप्शन होती है, ठीक है, तो कुछ लोग तो बगैर उसके लगवा लेते हैं, मगर अमूमन लोगों को हम कहते हैं कि आप नम करवा के फिर कराएं, और रिजल्ट उसके इतने अच्छे हैं क्योंकि गिरते हुए बालों का दुनिया में इलाज बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, सो इसलिए इट गिव्स वेरी नाइस रिजल्ट्स। वंस अ मंथ आपने करवाना होता है और इट आपके स्कैल्प को रिवाइटलाइज कर देता है, बाल आपके अच्छी, उनकी हेल्थ हो जाती है, मोटे हो जाते हैं, उगने शुरू हो जाते हैं, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? एक सेकंड के बाद हेयर फॉल तो टोटली स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। पीआरपी का दूसरा नाम पता है आपको? नहीं, वैम्पायर ट्रीटमेंट कहते हैं, कि खून से वैम्पायर लिफ्ट ऑन फेस को कहते थे ना, और वो इतना खून शून उसमें कोई नहीं निकलता, वो असल में वो दिखाने के लिए भी, तो वो फिर वो किम करदाशियन थी ना, अमेरिकन सेलिब्रिटी, वो उसकी बड़ी फोटोज आती थी कि उसके चेहरे पे खून लगा हुआ है और वो, बट इट गिव्स ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, ग्लो और लिफ्टिंग, यस वेरी नाइस, बिल्कुल सही। सो ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदी जनाब, आज हमने आपको अपने तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए से बताया कि चेहरे पे निखार कैसे आएगा, बाल लंबे कैसे होंगे, रूखे बालों का इलाज क्या है, अभी आपको मेरा हील बताने वाली है। डॉक्टर जरका ने पीआरपी से लेकर बोटॉक्स तक और वहां से लेकर पीलिंग तक की तमाम चीजें आपको बताई। इरम और सारा, सारा आपने अभी हमें नहीं बताया कि 7 दिनों में 7 किलो वजन कैसे कम होना, जल्दी से इधर आओ, इसलिए कि हमने ये पूछे बगैर आपकी जान नहीं छोड़नी है, हमने शो खत्म ही नहीं करना। आ जाए इरम आप भी, और अभी उमर अहिल आप भाई, जो सब लोग उमर अहिल के फैन हैं, अब उमर अहिल लाहौर में क्लिनिक किया करेंगी और अवेलेबल हुआ करेंगी कहाँ पे? लाहौर में क्लिनिक में हर महीने करती हूँ, करती हूँ हर महीने करती हूँ रजा हॉस्पिटल में, रजा अगली दफा भी मैं क्लिनिक करने ही आई हूँ, तो साथ साथ शो भी हो रहा है, तो रजा हॉस्पिटल में मैं पूरा दिन और रात तक हूँ, बल्कि जब तक पेशेंट होते चाहे 12 बजे मैं बैठी रहती हूँ। बिल्कुल सही, तो आपसे वहाँ मुलाकात हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप क्या कर रही हैं?
अच्छा डार्क सर्कल्स की बात हो रही थी, पफीनेस की बात हो रही थी, हम डिफरेंट क्रीम्स लगा रहे होते हैं, सीरम्स लगा रहे होते हैं और डार्क सर्कल्स फिर भी खत्म होते हैं, पफीनेस जो है ना वो कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा एक आसान सा एक नुस्खा है, बड़ी आसान सी चीज है जो कि घर में एक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ठंडा चम्मच कहा था मैंने कि लेकर आओ, इसमें हमने लिए खीरे का रस, कुकम्बर जूस और बादाम का तेल, ठीक है। इन दोनों को खीरे का रस यानी खीरे को अपने आराम कद्दूकश कर लें, बिल्कुल कद्दूकश करने के बाद उसको आप निचोड़ लें। और खीरे के रस में ऐसा क्या होता है कि ये इफेक्टिव है? मिनरल्स ही हैं वो, आपके विटामिंस तो कम होते हैं उसमें, जो वाटर सॉल्युबल विटामिंस हैं वो होंगे और मिनरल्स होंगे। और इसमें जिंक और जो है ना बहुत ज्यादा मिकदार में होता है और पोटेशियम भी होता है, लेकिन जिंक की मिकदार इसके अंदर काफी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर सर का मेडिकली क्या ट्रीटमेंट है ये पफी आईज का, डार्क सर्कल्स का? आपके पास कोई आए तो आप क्या करती हैं? देखिए एक तो मेडिकली पफी आईज आपकी होती है, यू हैव टू लुक फॉर द रीजन क्यों है पफी आईज। अमूमन या तो आपकी रीनल किडनी की प्रॉब्लम्स होती अच्छा। है, या आपकी वाटर रिटेंशन लिवर डिजीज की वजह से होती है, या कार्डियक डिजीज की वजह से, तो आपको उसकी वजह ढूंढनी है, ठीक है। और उसकी आप वजह ढूंढिए और उसके साथ फिर अमूमन अगर, और बहुत से लोगों को जिनको सुबह के वक्त, एक तो हमारी बच्चियों को खवातीन को जो कॉमनेस्ट कॉज है वो है हार्मोनल भी, अच्छा। और 40s में जाके हमारे चार हार्मोन्स हैं जो हमें पागल करते हैं औरतों को, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और उसके साथ अपना ईस्ट्रोजन बोल दिया मैंने, चौथा पता नहीं कौन सा था, नहीं याद आ रहा। सो ये चार हार्मोन्स। सो मेडिकली तो हम इसके लिए, एक तो वो टी बैग वाला तो बड़ा अच्छा नुस्खा है ना, आप यूज्ड टी बैग को ग्रीन फ्रिज में, हाँ ग्रीन या अगर काली चाय का भी हो लेकिन दूध ना हो, अच्छा ठीक है, तो आप यूज करें और उसे फ्रिज में रख दें, उसको फ्रिज में रख दें और फिर निकाल के 10 मिनट, और फिर क्यूकम्बर भी बड़ा जबरदस्त जो आप लगा लेते हैं। कर क्या रही हैं आप? ठंडा कर रही हैं। डॉक्टर जरकर ने कहा वो तमाम ट्रीटमेंट जरूरी है, जैसे कि सर्जरी भी होती है पफीनेस की, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन इंस्टेंट अगर हमें कुछ चाहिए तो आपने जो खीरा और बादाम का तेल लगाया, हल्का सा मसाज किया और बिल्कुल यख कर लिया चमचे को, स्पून को ठंडा यख कर लिया, ऊपर आपने ऐसे रखा था ठंडक पहुंची, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से आप प्रेस करना शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ से आंखें फूली हुई हैं, पफी हैं, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रही है ना, ठीक है ठीक है, पानी जो यहाँ पर होता है उसको ये ड्रेन आउट कर रही है। प्रेशर जाना आपने कर लिया 2-3 दफा तो इंस्टेंट जो ये आपको वक्ती आराम दे देगा, ये फौरन बैठ जाते हैं, बिल्कुल ठंडा यख चमचा करना है आपने और ये देखिए फौरी तौर पर बैठना शुरू हो जाए। तो घर के जितने चमचे हैं फ्रिज में रख रहे, एक गर्म हो जाए तो दूसरा निकाले, तीसरा निकाले, ऐसे 2 चमचे के आप प्रैक्टिस करेंगे तो पफीनेस खत्म हो जाएगी, आप अपना फंक्शन अटेंड करें और फिर डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन वो डॉक्टर जरका ने बिल्कुल सही कहा कि आप अपने गुर्दे चेक कराएं, आप अपने जिगर को चेक करें, आप अपने हार्मोन्स को चेक करवाएं कि आपको कहाँ पे मसला है। किडनी की वजह से ये स्वेलिंग आती है, पफीनेस आती है किडनी की वजह से, जो मेन रीजन है वो किडनी होते हैं। बिल्कुल सही। एक और चीज, जो चीजें वाटर रिटेंशन करती है बॉडी के अंदर, अगर उनको आप लेट नाइट खा के सोते हैं, वो कौन सी है? सुबह में जो लाइक बहुत सॉल्टी चीजें जो होती हैं वो भी, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो भी आप खा के सोते हैं, अगर आप हैवी कार्ब इंटेक लेते हैं तो आंखें क्या पूरा मुंह छू जाए, चावल आलू मीठा बहुत ज्यादा, और ये जो बहुत ज्यादा बेकरी के आजकल केक और मूज और वो ड्रिंक्स, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेके आप सिंपल कार्ब्स ज्यादा जो आप लेते हैं वो उनसे, वो सिंपल कार्ब भी नहीं लेने हैं, सिंपल आलू भी नहीं खाना, कॉम्प्लेक्स कार्ब जिस तरह जो स्टार्च है आलू के अंदर देखें बहुत ज्यादा स्टार्च होती है, अगर आप वो इंटेक करके रात को सो गए और आप सुबह देखेंगे तो आपकी आईज पफी होंगी, पफी होंगी। सो इस तरह की चीजें रात को नहीं खानी है भाई, जिसमें स्टार्च और स्टार्च इस टाइप की, वही हमने क्या खाना है वही मैं 8 आवर्स प्लान, जिस तरह आपने इंटेक 6 बजे तक कर लें, मैक्स 7 बजे तक कर लें, नॉर्मली अगर हम अपनी रूटीन पे देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि 5:30 तक जो है हम एंड करके, तो उसमें ये है 5:30 के बाद यार खजूर ले लें, 5:30 के बाद आप 8 नहीं खजूर नहीं ले सकते, रात को नहीं, ये न्यूट्रिशनिस्ट तो वैसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपको पट्टी बांध के, मैं तो खा देती हूं, यू कैन टेक क्वांटिटी अगर आप कम रखें ना, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम खाएंगे तो हमने पूरा प्याला खाया, आप आधा चम्मच खा लें तो उससे काफी बेहतर है, एक नॉर्मल बंदा ले सकता है, लेकिन जिसने रिड्यूस कर रहा है वो नहीं ले सकता, वो छोटी छोटी चीजों में जो है वो एनर्जी अगर लेता जाएगा तो मेरा कुछ लगी नहीं है, मेरा इतना ज्यादा होता है उसमें, जो बाल ड्राई हो जाते हैं, मुश्किल फ्रिजी हेयर्स होते हैं, रफ होते हैं, कितना कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उनके लिए छोटा सा मास्क कह लें आप, खुद बेजान बालों के लिए,
उधरे बे जान उड़े हुए बम हटावा या कंट्रोल या सीरम लगा, सर्दियों में खासकर बहुत बुरा हाल हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा क्या होगा, झटपट आप लगाएंगे स्क्रब की तरह होता है ये, स्क्रब लगा के आपने इसका मसाज करना है, ठीक है, स्क्रबिंग करनी, इससे डेंड्रफ भी खत्म हो जाएगी, न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट होगी और जो बाल फौरन स्मूथ हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या क्या कुछ है उसमें? एलोवेरा जेल लिया है, इसमें हम बादाम की खली लेंगे, ठीक है, बादाम की खली आराम से मिल जाती है, ठीक है, इनको मिक्स कर लिया, मिक्स कर लिया, इसमें डालेंगे सरसों का तेल 1 स्पून, ओके, और इसमें डालेंगे बादाम का तेल 1 स्पून, ठीक है, और ये बालों की जड़ों में लगाना है कि बालों की जड़ों में लगा के पहले मसाज करेंगे ताकि जो डेंड्रफ है वो पूरा आपके उतर जाए, जैसे स्क्रबिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये पूरे बालों में आप लगा देंगे जैसे स्मूदिंग मतलब इफेक्ट देने के लिए, और उसके बाद 1 घंटे के बाद इसको वॉश कर लेंगे। बिल्कुल सही। तो ये देखिए इनकी आंख पे, ये हालांकि अभी उन्होंने किया है तो इस आंख में और इस आंख में फर्क है भाई, हाँ, और ये फर्क जो है ये फील हो रहा है। तो आपको अगर घर में इस तरह का मसला हो तो आप ये टिप ट्राई कर सकती हैं एंड इट विल वर्क डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा इमरान आओ, इनका चेहरा साफ करो ताकि हम देख सकें। तो बालों को खुरदरेपन के लिए हमने अप्लाई किया, बस ये अप्लाई किया, इससे डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी, बालों में नई जान भी आ जाएगी, रफनेस है वो भी खत्म हो जाएगी, 2 मुंह के बाल है वो भी ठीक हो जाएंगे। 7 दिनों में 7 किलो वजन कैसे खत्म होगा सारा, क्या करेंगे? फरा बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि अपने आप को एक चीज पे बाउंड या स्ट्रिक ना कर लेंगे, जैसे मोस्टली होता है कि हम लोग डाइट प्लान जब फॉलो कर रहे होते हैं तो हम वही 30 डेज करके आप बोर हो जाते हैं उसी चीज से, और आपकी हम तो जो बोर होते हैं बॉडी भी यूज टू हो जाती है, तो क्या फिर उस चीज का इफेक्ट नहीं होता। अगर 7 डेज में आप 7 डिफरेंट डाइट्स ले रहे हैं तो वो आपको आपकी बॉडी क्विक रिस्पॉन्स करेगी। क्या डिफरेंट डाइट्स होंगी? फॉर एग्जांपल आपने डेज फिक्स कर लिए, जैसे 7 डेज है तो 7 डेज में हमने फ्रूट्स लेने का वो कार्बोहाइड्रेट्स एक दिन से फ्रूट्स ले लें, एक दिन फ्रूट्स ले लें, हाँ। एक दिन वेजिटेबल्स ले लें, एक दिन सीरियल्स ले लें, एक दिन मीट ले लें, और एक दिन आप जो है वो उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी छोड़ें कि आपकी बॉडी जो है वो जब आप फिर ज्यादा इनटेक करें तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो उसको रिलैक्स छोड़ें, और एक दिन जो है वो आप मीट इनटेक करें, सिर्फ गोश्त खाएं, गोश्त, ठीक है, उसमें पोर्शन 500 कैलोरीज, हाँ 5 नहीं डिपेंड करता है, देखें जो बंदा है ना, जो बंदा खंडा है, देखिए 90-100 मेजोरिटी जो पेशेंट्स आते हैं वो 90-100 इसकी इस रेंज में होते हैं मेजोरिटी। एक तो ना आपकी जो साइंटिफिक टर्म्स है मुझे भी नहीं समझ आ रही, मैंने कम करना है भाई 10 किलो वजन, अब मुझे बताओ सिंपली कि वो डॉक्टर जरका वाला सवाल कितना खाना है, आपकी कैलोरी वही ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अब आपकी कैलोरी में डिफरेंस है उनकी कैलोरी में डिफरेंस होगा, आप जो है वो 1200 कैलोरी तक भी ले सकती है, उनको मैं 800-2000 कैलोरी पे ही स्टिक करूंगी। अच्छा ठीक है, उनका और आपका मतलब जिसने 10 किलो वजन कम करना है 10 किलो वजन करना है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि लाइक जब आप नियर टू आइडियल बॉडी वेट होते हैं तो आपका वेट बहुत आहिस्ता से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर, बिल्कुल सही। अब आपने टेक्निकल टर्म्स में उलझा दी इसे मैं छोड़ूंगी इस बात पे, यहाँ पे ये स्मूदी कौन सी बनेगी? अच्छा स्मूदी अभी लगाने की बात होगी, खाने के लिए भी बड़ी जरूरी चीज है कि हमने इसमें लेना है पपीता कीवी फ्रूट, ठीक है। अच्छा ये सारी चीजें जो उनसे ग्लूटाथिओन एनरिच्ड है जिसके आज के इंजेक्शन लगते हैं, गोरेपन के इंजेक्शन लगते हैं, आप ये स्मूदी पीना शुरू करें आपको काफी फर्क मिल जाएगा। इसमें अनार डाला और इसमें हमने शकरकंदी डाली, तो खाने के लिए भी बहुत मजे का लग रहा है, खाने के लिए मुझे तो खाने के लिए इतना अच्छा लग रहा है। इसमें हमने डाला है कोकोनट मिल्क, ठीक है, अब इसकी हम बना लेंगे स्मूदी और ये आप पीना शुरू कर दें ऐसे टाइम पे जैसे इसका सबसे अच्छा टाइम पीने का होगा 4-5 बजे का, जो थोड़ा सा खाली पेट भी आप अभी पी लो। इनका कितना अच्छा रिजल्ट आया है, सिर्फ एक हल्का सा एक जिसे कहते हैं ग्लो और एक नीटनेस जो है वो चेहरे पे आ गई। हाँ अगर आप देखें यहाँ पे यहाँ नहीं लगाता तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका, इरम आपका शुक्रिया, सारा आपका शुक्रिया, एंड उमेर अहिल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात तो रहेगी, गुड लक फॉर योर क्लिनिक। डॉक्टर फैसल शुक्रिया, हमने आज कोशिश की कि आपको ये बताएं कि सेहतमंद रहना ही असल खूबसूरती है और उसके लिए आप अपनी फिटनेस का, अपनी सेहत का, अपनी गिजा का ख्याल रखें, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप हर्बल रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं, आप साइंटिफिक लेटेस्ट जो इंटरवेंशन है उन सबसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने।